हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग। टेक्निक को अरबाज हो गया और किस पीक वन इज अप्रोक्सीमेट है वो आपके ए 260 पे दो ए और बी दोनों मिल रहे हैं। इसी वजह से नेगेटिव का थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा कि नेगेटिव आप रख सकते हैं कि ए का नेगेटिव है 210 पे, इसका नेगेटिव 290 पे और इसका 240 पे। इन सभी में कहीं पे आरएनए नहीं लिया गया। आरएनए के पास एक नेगेटिव बैंड मिलता है या दो नेगेटिव बैंड मिलते हैं और एक पॉजिटिव बैंड मिलता है। वो वैल्यू पता है किसी को? आरएनए हैज अ टू नेगेटिव बैंड एंड द टू पॉजिटिव बैंड, एक स्ट्रांग नेगेटिव, एक वीक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। किसी को पता है? बताओ फिर, पता है तो जी बोल रहे हो। तो इसके पास जो है नेगेटिव बैंड भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। बताओ 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 बताओ, डरो नहीं डरो नहीं। नेगेटिव है तो दो नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे टू नेगेटिव बैंड और वन पॉजिटिव होता है। टू में एक स्ट्रांग नेगेटिव है और एक वीक नेगेटिव है। स्ट्रांग नेगेटिव जो होता है ये 215 नैनोमीटर पे आता है, ठीक है, और वीक नेगेटिव जो है अप्रॉक्सीमेटली 240 नैनोमीटर के आसपास आता है। और इसका भी पॉजिटिव बैंड जो आ रहा होता है लगभग लगभग 255 या 250 नैनोमीटर के आसपास। ये वैल्यू है आपके आरएनए की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता? रिसर्च पेपर, ये भी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है आरएनए वाली इन्फॉर्मेशन। रिसर्च पेपर से इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको डाला जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए चलिए देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज। यह है सीरीज स्पेक्ट्रा ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें मैंने पॉइंट्स रखे हैं 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को रखकर इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ईडीएनए का, ठीक है ना। मैं कंस्ट्रक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे। Like this one. तो 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 and 300। This is the case. यहाँ पे सीडी है और ये जो है वेवलेंथ है। अब एक एक करके देखते हैं इन्फॉर्मेशन बी देने के लिए। देखिए ए बी देने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बैंड आपके पास आते रहते हैं। तो सम हैज अ पॉजिटिव बैंड किस पे मिला और किसी किसी के लिए नेगेटिव किस पे मिला। आपके पास जो ए डी एन ए है उसका जो पॉजिटिव बैंड है वो 260 पे मिल रहा है, जबकि नेगेटिव जो है 210 पे मिल रहा है, नैनोमीटर पे है, राइट है ना। ये कहानी है ए डी एन ए के लिए। जो बी डी एन ए था इसका पॉजिटिव बैंड मिल रहा था किस पे? 275 पे, और 240 पे जो है वो नेगेटिव बैंड मिल रहा था। और जेड डी एन ए है इसका पॉजिटिव बैंड जो मिल रहा था वो 260 पे था, लेकिन नेगेटिव जो है वो 290 पे है। और जबकि पास आर एन ए जो है उसका पॉजिटिव बैंड लगभग 250 पे था। दो नेगेटिव बैंड थे, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो करीब करीब 215 के आसपास और वीक वाला जो है वो 240। ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक, ये वैल्यूज थी। अब इसी तरीके से मैं एक एक करके ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं एरियन के लिए। एरियन के लिए एक पॉजिटिव बैंड 260 पे, एक पॉजिटिव बैंड यहाँ पे रख लीजिए और नेगेटिव बैंड 210 पे यहाँ पे, ठीक है ना। क्रॉस ओवर यहाँ पे बताया था क्या? नहीं बताया। तो जनरली हम यहाँ से नेगेटिव बैंड लेते हैं, लाइक दिस वन। ये कुछ ऐसे चलाते हैं, दिस वन, और फिर ये हो गया। दिस इज योर एरियन है ना, जिसपे पॉजिटिव बैंड आपको कहाँ पे मिल रहा है? 260 पे मिल रहा है। बी डीएनए का एक पॉजिटिव बैंड है और एक नेगेटिव। इसका पॉजिटिव बैंड 275 पे, लाइक हियर। मैं ये वैल्यूज जो है वो इस साइड पे लिख दे रहा हूँ, नीचे की साइड पे, सो दैट की दिक्कत है ना ग्राफ बनाने में। तो हमारे पास 275 पे जो है वो एक पॉजिटिव बैंड था और 240 पे नेगेटिव। तो मैं 275 पे पॉजिटिव बैंड यहाँ रख सकता हूँ और 240 पे नेगेटिव ये। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हो सकते। 258 के आसपास क्रॉस ओवर था, देखिए वही 260 के आसपास क्रॉस ओवर है। ये जो है बी डी ए, ठीक है ना, 275 के आसपास जो है वो पी का रही है। इसका 250, इसका 260। ए और बी आपको समझ में आ गया। अब ए बी के बाद है जेड डी एन ए, जिसका पॉजिटिव पीक जो है वो 260 है बट नेगेटिव पीक इज 290। तो दिस कुड बी लाइक दिस वन, ये कुछ इस तरीके से ज्यादा है पॉजिटिव पीक ऑन दिस वन। और क्रॉस ओवर इसमें बताया गया क्रॉस ओवर 180 टू 185 के आसपास। इधर है क्रॉस ओवर और क्रॉस ओवर इधर है, दिस वन, ये है जेड। देखो मैंने 180 185 लिखा नहीं है, और पीछे दिखाएंगे तब जाके हम इसको क्रॉस ओवर दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कि वहां से क्रॉस ओवर हुआ होगा। एक्चुअली में लाइक दिस वन ऐसे करके आ रहा होगा ना, तो मैं उस क्रॉस ओवर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये 185 के आसपास इधर से क्रॉस ओवर हो रहा, फिर आगे बढ़ता है, बट हम उतना पीछे जा ही नहीं रहे, डेटा में ही नहीं लेके जा रहे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके बाद आता है आरएनए। आरएनए के पास जो है दो नेगेटिव पीक्स, एक 215 पे अप्रॉक्सिमेटली हियर है ना, और एक 240 पे, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, लाइक दिस वन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और एक पॉजिटिव पीक लगभग 250 के आसपास। तो इस चीज को थोड़ा सा रेक्टिफाई करिएगा कि 240 की जगह 230 के आसपास रखिए, तो प्रॉपर जो है वो सही बनेगा, नहीं तो फिर ग्राफ में जो बेंडिंग है वो सही दिखेगी नहीं, ठीक है ना। तो लगभग लगभग ये 215, फिर 200 ये पीक है, देन 230 एंड देन 250 एंड देन दिस। इस तरीके से आपका आदमी एक 230 के आसपास, एक 215 के आसपास और ये 250 के आसपास, दिस इज योर आदमी, ठीक है। सो ये है आपका सीरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सीरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब सीरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड को जरा समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। मैं जो प्रोटीन की बात किया था वहां पे मैंने पॉजिटिव पीक्स को याद रखा था, यहाँ पे मैं नेगेटिव पीक्स को याद रखा रहा हूँ।
याद रहे ए का जो नेगेटिव पीक होता है वो 210 नैनोमीटर पे है, बी का जो नेगेटिव पीक है वो 240 के आसपास है, ठीक है ना, आर का जो है वो 230 और 215 के आसपास है, और जेड का जो है वो 290 के आसपास है, सभी का अलग अलग है, तो इससे आसानी से दिमाग में क्लैरिटी बन सकती है, नहीं तो अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो आपका जेड और ए में डिफरेंशिएशन मुश्किल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डिफरेंशिएट इट। अगर आप इसको जो है अरेंज करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा, आर 230 पे आएगा आर एन ए, और बी डी एन ए जो है वो आपका 240 पे आएगा इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए आर बी जे, और बात हो गया, ठीक है ना। अरे खान थोड़ी होता है, मैंने तो बात बोला बस, आप खान बोलो, मैंने खान नहीं बोला। अब जरा देखने की कोशिश करिए, सर्कुलर डाइक्रोइस सिर्फ आपको इसी के लिए ही नहीं, स्टेबिलिटी के लिए, फोल्डिंग के लिए, इन सभी के लिए यूज हो सकता है, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री होता था वैसे ये भी होते हैं। जरा समझने की कोशिश करिएगा कि व्हेनेवर वी सी द सर्कुलर डाइक्रोइस, ठीक है ना, सर्कुलर डाइक्रोइस में हमारे पास क्या है कि व्हेन डीनेचुरेंस, जैसे जैसे डीनेचुरेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ेगी, या सर्कुलर डाइक्रोइस में जो है वो बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है समझिए, कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन हो, कोई भी पर्टिकुलरली जो है न्यूक्लिक एसिड हो, जब भी आपके साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, फोल्डेड फॉर्म में है, तो ये लेस एक्सपोज्ड है, कम एक्सपोज्ड है। अब कम एक्सपोज्ड है तो इसका जो एब्जॉर्बेंस होगा वो कम होगा, कम एब्जॉर्बेंस होगा तो सीडी भी कम होगी, लेकिन अगर वो डीनेचर्ड होगा तो वो क्या होगा, डीनेचर होगा तो वो मोर एक्सपोज होगा, और जब मोर एक्सपोज होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा, अगर उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो उसका सीडी जो है वो ज्यादा होगा, सीडी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है तो डीनेचुरेशन ज्यादा है। सो हाउ द डीनेचुरेशन अकर्स, या डीनेचुरेशन कैसे सीडी से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है, जितना प्रोटीन डीनेचर्ड फॉर्म में, ये जितना प्रोटीन अनफोल्डेड फॉर्म में होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा, राइट। सो यही चीज समझिए, जरा सा अगर मेरे पास इस तरीके का ग्राफ आ गया, इफ आई कैन से दैट यहां पे ए है, ये बी है, ये सी है, एंड दिस इज डी, इन ए बी सी डी ए शुड बी और नो डीनेचुरेंट केसेस, या वी कैन आल्सो से दैट इट इज अ नेगेटिव, ए में कोई डीनेचुरेशन नहीं है, प्रॉपरली फोल्डेड है भैया, कंप्लीटली फोल्डेड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम है, बी में थोड़ा सा और बढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें थोड़ा सा और डीनेचुरेशन किया गया, सी में और ज्यादा डीनेचुरेशन हुआ है, और डी में और भी ज्यादा डीनेचुरेशन है। द सेम ग्राफ कैन बी यूज्ड फॉर फोल्डेड इंटरमीडिएट्स एज वेल, वी कैन यूज इट, क्योंकि नेटिव सबसे नीचे आएगा और अनफोल्डेड सबसे ऊपर जाएगा, द ऑर्डर शुड बी सेम, यू एम डी एन ए लाइक दिस हियर, अगर मेरे पास कभी ग्राफ हो ऐसे करके एक्स ए बी सी डी करके, तो हमारे पास सबसे ऊपर जो होगा अनफोल्डेड होगा, फिर मॉल्टन ग्रुप भी होगा उसके नीचे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी फोल्ड, मतलब ए वाला जो है एमाइलॉइड है, कंपैक्ट, कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड, कंप्लीटली फोल्डेड, फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा नेटिव में, नेटिव से ज्यादा होगा डिस्क्रीट में, क्योंकि थोड़ा सा और जो है अनफोल्ड हो रहा है, मॉल्टन ग्रुप भी और अनफोल्डेड, और अनफोल्ड वाला एकदम पीक पे चला जाएगा, सेम ऑर्डर होगा कि नहीं। तो हम फोल्डिंग वाले कंडीशंस को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलर इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी वैरीज फ्रॉम देयर एक्सपोजर, नेटिव का सबसे कम एक्सपोजर है, इवन एमोलाइड का लीस्ट एक्सपोजर होता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका एब्जॉर्बेंस सबसे मिनिमम है, एब्जॉर्बेंस मिनिमम तो इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम, अनफोल्डेड में जो एब्जॉर्बेंस है या अनफोल्डेड में सबसे मैक्सिमम एक्सपोजर है, और मैक्सिमम एक्सपोजर है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एब्जॉर्बेंस ज्यादा, एब्जॉर्बेंस ज्यादा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, मॉल्टन ग्रुप में थोड़ा सा और एक्सपोजर, थोड़ा मतलब अनफोल्डेड के हिसाब से थोड़ा कम, डिस्क्रीट में और कम, नेटिव में और कम, और एमोलाइड में एकदम कम। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, फोल्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीनेचुरेशन, हमने ये तो बताया, जितना डीनेचुरेशन बढ़ेगा उतना ही एक्सपोजर बढ़ेगा, और जितना एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ही एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, और जितना एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। बट इसी चीज को अगर देखा जाए तो डीनेचुरेशन जब ज्यादा बढ़ेगा तो फोल्डिंग घटेगी, यानी जब फोल्डिंग घटेगी तो एक्सपोजर जो है बढ़ेगा, और एक्सपोजर बढ़ेगा तो फिर बाकी चीजें बढ़ेंगी। क्लियर ये चीज, एनी डाउट? इलाम आपने पढ़ा हुआ है, बताया गया मैंने, एनर्जी फनल सबसे पहले मॉल्टन अनफोल्डेड हाईएस्ट एंट्रोपी, फिर मॉल्टन ग्लोब्यूल, फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, फिर नेटिव, फिर मोलर, याद आ रहा हो तो पैनी स्ट्रक्चर से आपके इस तरीके से जो है केसेस बनते हैं। ग्रेट, यहां पे क्लियर है, तो चर्चा भी करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो है फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और सीडीआर को कंपेयर कर देते हैं लोग, जो सर्कुलर डाइक्रोइस में जो है उसको और फ्लोरिसेंस को कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सीडीआर इज फार बेटर इन जनरल, बट आपको इसके हिसाब से नहीं लेके चलना है, आपको बात करना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में मान लेते हैं कि अगर ये सीडी का ग्राफ है और ये फ्लोरिसेंस का ग्राफ है, दे कैन बी रिवर्स ऑल्सो, हो सकता है कि ये फ्लोरिसेंस का ग्राफ हो और ये सीडी का ग्राफ हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है। अब इसमें बोल रहा है कि कोई एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन के हम डीनेचुरेशन के प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, और डीनेचुरेशन की प्रोसेस को चेक करने के लिए हमने कई सारे जो है ट्रीटमेंट ट्राई किए, जैसे कोई ड्रग का ट्रीटमेंट कहीं पे डीनेचुरेशन में, कोई और डीनेचुरेशन का ट्रीटमेंट, कोई और ट्रीटमेंट, ऐसे करके आपने हमें डीनेचर किया, किसी को पीएच से डीनेचर किया, किसी को ठीक डीनेचर टेम्परेचर से किया, किसी में जो आपने नेंस का यूज किया, मे भी अलग अलग मेथड्स हैं, और ए जो है वो आपका नो ट्रीटमेंट है, मतलब एक तरीके से कंट्रोल है, कंट्रोल की तरह यूज करें, एक कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। तो इनमें से दो स्टडीज की आपने सीडी की स्टडी करी और इवन फ्लो साइटोमेट्री सॉरी फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करी। अब सीडी और फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे इन द केस ऑफ सर्कुलर डाइक्रोइस, सर्कुलर डाइक्रोइस में क्या हो रहा होता है, सर्कुलर डाइक्रोइस में ये पर्टिकुलर केस देखेंगे तो बी सी डी में जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं है, जिस पैटर्न पे बी जा रहा है उसी पैटर्न पे सी है, उसी पे डी है, मतलब वी कैन नॉट डिटेक्ट कि एक्चुअली विच वन इज टेंपरेचर, विच वन इज पीएच, विच वन इज एंजाइम, कौन सा डीनेचुरेशन किसकी वजह से हुआ है वो पता नहीं चल रहा। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ इज लेस रिजॉल्व्ड, हम इसको बोल सकते हैं कि ये ग्राफ जो है सीडी स्पेक्ट्रा का जो ग्राफ है वो लेस रिजॉल्व्ड है, रिजोल्यूशन इसमें अच्छा नहीं, क्लैरिटी नहीं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन जरा इसको देखो फ्लो साइटोमेट्री, ये मोर रिजॉल्व्ड है, इसमें ए बी सी डी में सब एक प्रॉपर अलग अलग डिफरेंट तरीके से दिखाया जा रहा है, क्लैरिटी है, तो दिस इज मोर रिजॉल्व्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वी कैन से दैट कि फ्लो साइटोमेट्री इज बेटर देन सीडी,
अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्लो साइटोमेट्री जो है वो सीडी से बेटर है, बट समवेयर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी एक्सपेरिमेंट में जो है हो सकता है कि कुछ इस तरीके से ग्राफ आए अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड पे, मे बी। तो आपके पास जैसे कि ये ग्राफ ए था, इसके बाद बी सी डी, ऐसे बी सी डी आ सकता है, और ये ग्राफ जो है वो फ्लोरेसेंस का हो, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का हो। और ये ग्राफ जो है जैसे यहां पे आ जाए ए बी सी डी, अभी तीनों में और इसमें देखोगे तो ये मोर रिजल्ट है और सी डी है। हम यहां पे बोलेंगे कि सी डी इज बेटर देन फ्लोरेसेंस हियर, हमें बोलेंगे सी डी इज बेटर देन फ्लोरेसेंस हियर एंड सी डी इज मोर रिजल्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन आता है सीएसआई में? आपको सिर्फ इतना ही इंटरप्रिटेशन करना है कौन सा ग्राफ बेटर रिजल्ट है, लाइक दिस वन। अब ये ग्राफ में सी डी का कौन सा फ्लोरेसेंस का कौन है, आप उसके वाई एक्सिस से देख के बताएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो फ्लोरेसेंस का जो ग्राफ है वो ज्यादा रिजॉल्व है, और जब ज्यादा रिजॉल्व है तो वही ज्यादा सेंसिटिव भी होगा। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वी कैन सी दैट कि ये जो ग्राफ है वो बहुत करीब करीब है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सीडी का ग्राफ है और फ्लोरेसेंस है ये फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लोरेसेंस इज मोर रिजॉल्व एंड मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल चेंजेस रादर देन सीडी। तो इस चीज से पता चलता है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपने यहाँ तक देखा, इसको यहाँ से आपको मिलता है एक मिनट का ब्रेक, उसके बाद मैं चलता हूँ एनएमआर के बचे हुए टॉपिक्स के साथ। सीडी खत्म। अरे हो गया हो गया हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट। एनएमआर वापस आओ ना, एनएमआर के ऊपर से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है एन प्लस वन रूल अप्लाई होता है, मैंने ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रखा है, जाइए रिकॉर्डिंग देखिए और एंजॉय करिए ना। मैंने स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रखा है कि टॉपिक पूरा कोर्स में पढ़ा नहीं सकता क्योंकि अन अकेडमी ने मुझे मना किया हुआ है। टीम नहीं चाहती कि मैं एप्टीट्यूड पे पढ़ाऊँ, तो मैं एप्टीट्यूड प्लस पे तो नहीं पढ़ा सकता, फ्री में पढ़ा सकता हूँ। फ्री में आप जाके पढ़ लीजिए, और फ्री में कोई कोर्सेज भी शेड्यूल करना मुश्किल है, ठीक है, कि मैं पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाऊँ। सर क्या है, उनको बच्चे पढ़ना चाहते हैं? ओ ब्रो, इट्स नॉट अबाउट बच्चे ना, सब एक एजुकेटर से मिल जाएगा तो बाकी एजुकेटर्स क्या करेंगे? अनअकैडमी को सबको तो सैलरी देना है ना, इस प्लेटफॉर्म को सबको सैलरी देना है ना, वो सबको सैलरी दे रहा है तो सबसे काम सब चाहेगा कि सबसे बच्चे पढ़े ना, नहीं तो फिर क्यों सैलरी देगा? और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि भैया आप सिर्फ मुझसे पढ़े, मैं चाहता हूँ आप सबसे पढ़े और आप आदत भी बनाएं सबसे पढ़ने की धीरे धीरे, ठीक है ना, ताकि जो है मेरा जो प्रेजेंस है वो फील ना हो, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, और वो एक ही जगह पे बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है ना, आपने सुना नहीं है क्या कि जब आप एक ही जगह पे बार बार जाते हैं तो इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, तो वो इज्जत जो है नहीं मिलती, ससुराल का ही ले लो। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है अब इज्जत जो खत्म हो गई है बार बार आने से, वो इज्जत जो है थोड़ा सा लिया जाए, क्योंकि जिंदगी में जो है रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसे अर्न करते हैं, और मेरे लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आगे तो किसी को आने नहीं देता हूँ। स्पेशल क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अब जाइए पढ़िए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वो जो है 10-12 क्लासेस ले रखे हैं, उनको जाइए देखिए, आपका काफी काम हो जाएगा, ठीक है, काफी हेल्प मिल जाएगी। चलो देखने की कोशिश करते हैं, एन प्लस वन बोला, अरे ठीक है पढ़ लोगे पढ़ लोगे। सर आप यूट्यूब पे पढ़ा दो ना, भैया वो भी तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ मैं, वो भी तो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, ई लर्नर पे पढ़ा दूंगा यार, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन हम एक ही इंसान और एक ही इंसान है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूँ, लेकिन मैं कितना काम करूँगा इसी चक्कर में जो है, मेरे से जूनियर लोग जो है आजकल मेरे को ऐसा ऐसा बोल के निकल जाते हैं कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैं जो है पेपर पब्लिश नहीं किया हूँ, टू बी वेरी ट्रू। तो उस चक्कर में जो है मेरी वैल्यू डिपार्टमेंट में जीरो हो चुकी है, ऐसा लोग जूनियर्स लोग भी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि मैं जो है रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया हूँ, वो लोग पब्लिश कर चुका हुआ है, और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं उन्हें बिगाड़ दूंगा और उन्हें पेपर पब्लिश करने नहीं दूंगा। तो इज्जत जो है मेरी थोड़ी कम हो गई है, और ये इस वजह से क्योंकि मैंने अपना पूरा ध्यान आप लोगों पर लगा रखा था एक टाइम पर, मैं इतना सोचा ही नहीं और मैं सिर्फ लगा रहा, लेकिन अब मेरे को क्या है, मेरे पास समय की बड़ी लिमिटेशंस होती है, और जिसकी वजह से मेरा कोई काम पे अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो किसी पे समय नहीं मिल पाता है। आप सुबह 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक लैब में रहो, और इसमें भी जाओ तो थोड़ा इधर उधर करते हुए, अगर हार्डली देखोगे तो 5 घंटे में से प्रोडक्टिव 4 घंटे ही या 3 घंटे मिलेगा, क्योंकि 1 से
डेढ़ घंटे जो है वो लंच में निकल जाता है 1 आवर, क्योंकि लंच करने जाओ या मंगाओ या जो भी करो, क्योंकि हम हॉस्टल्स में नहीं रहते तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं, तो उस चक्कर में 3 या 4 घंटे भी अगर मान के चलो मैं डेली 4 घंटे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ और वहीं पर कुछ लोग जो है वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे आएगा और रात को 9 बजे जाएगा वो, तो उसके कंपेरेटिव में जो है मेरा काम बहुत कम पीछे चला जाता है, तो मैं जो है बहुत पिछड़ता जा रहा हूँ अपने काम से लेकर अपने ही लेवल के लोगों से, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में। और मेरे को अनअकैडमी छोड़ भी नहीं सकता, दो रीज़न, पहला रीज़न कि बॉन्ड है मेरा ना, जून में फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद आ हा सुकून, और फिर उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो तभी तक मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे जुड़ा रहा हूँ, छोड़ भी नहीं सकता। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चक्कर में मेरा सारा काम सफर कर रहा है ना, टाइम मैनेजमेंट की ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, मैं भी देता हूँ लोगों को, लेकिन कभी कभी इतना ओवरलोड होता है वर्क का कि टाइम मैनेजमेंट की बहन बचाती है। सर जून के बाद दुबई टूर जाकर, नहीं भाई साहब हमको दुबई नहीं जाना, हमको अपना देश प्यारा लगता है, किसी और देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ के गांव में आराम से बैठ के पेड़ के नीचे मस्त बाटी चोखा बना के आराम से एक मिट्टी के उसमें घड़ी में दाल बना के मस्त बैठ के खा के चर्चा करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, रहता था कि बाहर सोफिस्टिकेटेड पब एंड पार्टी डिस्को में जाके फालतू के गानों पे अपने शरीर के अंदर मदिरा पान करके अपने शरीर का नुकसान करा के अपने आप को कूल वूल बोलना, वो मेरे को शोभा नहीं देता, मतलब मुझे समझ में नहीं आता उसका लॉजिक। मैं थोड़ा सा देसी इंसान हूँ, मुझे सुकून वाली चीज़ें, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद, मेरे को अगर 2 दिन मिले या 2 महीने मिले तो फॉरन में जाने के बजाय मैं मम्मी के पास रहूँगा, अपने फैमिली के पास रहूँगा, उनके चेहरे पर स्माइल लाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा, बातें करूंगा, वो ज़्यादा सुकून मेरे को लगता है अपनी अपनी फाइसेस। कहते हैं ना जो जन्नत मैंने ढूंढा दुनिया में, जो जन्नत मैंने ढूंढा दुनिया में वो जन्नत मिला मेरी माँ में, तो जब भी आप जन्नत पूरी दुनिया में ढूंढते रहेंगे वो नहीं मिलेगा, वो हमेशा कदमों में ही आपके माँ की जो जन्नत कदम होता है उसी में जन्नत मिलती है आपको। बाकी आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करते रहेंगे, और जब भी आप PhD में इनरोल होंगे तो अपने PhD पे भी फोकस करते रहिएगा, मेरे जैसे कंडीशन पे मत फंसाइएगा। एंड सबसे बड़ा पीयर प्रेशर तब होता है प्रेशर जब कहते हैं कंपैरिजन, लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, एक ऐसा लेवल, कुछ लेवल तक तो आपको लोग कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक ऐसा लेवल आएगा कि आपके अपने भी जो है आपका कंपैरिजन शुरू कर देंगे कि उसको देखो वो यहाँ होंगे, उसको देखो वो यहाँ होंगे। और लाइफ के एक एक्सपीरियंस से मैंने हमेशा सीखा है कि लोग आपकी इज्जत तभी तक कर रहे होते हैं जब तक वो आपसे पीछे होते हैं, जिस दिन वो आपसे आगे निकल गया उस दिन ना वो आपकी इज्जत करेगा ना ही रिश्तों की कद्र करेगा। कुछ ऐसे हमारे मित्र भी थे जो हमारे साथ PhD में इनरोल हुए थे, और आज वो 1-2 पेपर पब्लिश करके मेरे से खुद को बड़ा समझते, और वो लोग बात भी नहीं करते कि ये तो सीरियस ही नहीं है, मतलब इसे कोई परवाह नहीं है करियर की, तो लोग मतलब दोस्ती को भी उस चीज़ों से तोड़ते हैं। तो जिंदगी का मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 5-6 महीने साल भर में कि नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट यू, आपका दोस्त आपका मित्र आपका बेस्ट फ्रेंड कब आपको छोड़ के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जिस आप कामयाब रहोगे सब आपको दोस्त बोलेगा भाई ये कर देना भाई वो कर देना इसका वो कर देना, और जिस दिन आप वो चीज़ में नहीं गए कोई पूछने वाला नहीं है, सब खत्म कहानी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर सक्सेस। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये लाइफ लेसन ध्यान रखना कि लोगों से उतना ही मतलब रखना जितना वो आपसे मतलब रखते हैं, नहीं तो लाइफ में धोखा खाओगे, फिर बाद में पछताओगे, फिर ये करोगे परेशान होगे, फिर उनसे उभरोगे, ऐसा नहीं कि कुछ कर लोगे उभरोगे, लेकिन उसमें समय जाया होता है, थोड़ी सी मेच्योरिटी आप ले आते हैं, समझते हैं उतना ही लोगों से मतलब रखते हैं, तो आप इन सब लफड़ों से थोड़ी दूर रहते हैं। ठीक है ना, और अभी जो न्यूज़ आ रहा है पेपर पब्लिश नेसेसरी नहीं है वो UGC इंस्टीट्यूट्स में, IITs में नहीं है, IIT से जो है उनमें नहीं है, वो UGC के लिए, और नया रूल अपकमिंग जो इनरोल होंगे उनके लिए, जो इनरोल हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। और आपको क्या लगता है कि पेपर पब्लिशिंग जो है वो PhD के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गाइड छोड़ेगा जो जिस गाइड का प्रमोशन उस PhD पेपर से होने वाला है वो तो आपसे पेपर करवाएगा ही ना, वो थोड़ी छोड़ेगा, वो तो कहेगा करो पहले गाइड को तो पेपर चाहिए ना, उसका प्रमोशन तो पेपर से होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ठीक है कंपलसरी नहीं है ये बात अलग है, लेकिन आप अपने मन से थोड़ी है कि मेरा जब मन करेगा तब मैं PhD देके निकल जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं, थीसिस सबमिट करके गए कुछ दिखाने के लिए, थीसिस में सबमिट करने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करोगे ना कि प्लेन पेपर छाप दोगे, डेटा तो चाहिए, कैसे वैलिडेट करोगे डेटा को, तो ठीक है अपनी जगह पर बट कर लोगे आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा सीरियस रहना हो जाएगा, और मेरी तरह किसी से पंगा नहीं लेना अपने डिपार्टमेंट में, ना सीनियर से ना टीचर से ना अपने गाइड से, जितना सब में मुंह या मिट्टू बने रहोगे सबकी तारीफ करते रहोगे उतना अच्छा जिंदगी कटेगा, मेरी तरह जितना सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बनोगे अपनी मन करोगे उतना ही जो है जिंदगी में तकलीफें झेलते रहोगे, तो समय पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसे करके आपको चलना है ना लाइफ में, जितना पहले आप करते रहिए जिंदगी चलेगी सुकून से, यही जिंदगी का मंत्र है, जितना सोचोगे पहले मैं तो नहीं हो पाता है बात ठीक है, बट करना पड़ेगा, हर किसी से नहीं हो पाता, लाइक मेरे से खुद ही नहीं हो पाता, मैं डिग्री छोड़ दूंगा लेकिन अपनी रिस्पेक्ट जो है गिरने नहीं दूंगा, चमचागिरी नहीं करने का मेरे को, छोड़ दो खत्म कहानी, देख लेगा कुछ और, लेकिन ये सब सोचो कि हम चमचागिरी करें बैठ के चापलूसी करें इनकी इधर करें उनकी उधर करें, ये सब चलता है, लाइक इन ईच एंड एवरी फील्ड, नॉट इन CSIR, नॉट इन PhD, नॉट इन जॉब, इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, चाहे वो छोटा सा जॉब हो चाहे बड़ा सा जॉब हो, देयर इज अ डर्टी लेवल पॉलिटिक्स, जैसे कि डेली शो पे दिखाता नहीं हर एक आदमी एक वो जो है वैम्पायर पीछे से अपने मन में भुनभुना रही होती है, देख के डोरी तोड़ना चाहती है दोनों को लड़ाना, ऐसे आपकी जिंदगी में वैम्पायर्स भरे पड़े हैं, आपको पता भी नहीं होगा कौन कौन वैम्पायर की तरह काम कर रहा है आपकी जिंदगी में, जो आपके सामने मीठा बोलेगा कल वही जाकर आपके पीछे जो है बोलेगा, आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका दुश्मन हो सकता है, और हमेशा याद रखना जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, क्योंकि उसे ही आपके सारे राज पता होते हैं, हो सकता है आपने आज किसी को बहुत दोस्त बनाया किसी बात पे लड़ाई हो गई, और अगर आप दोनों क्लोजेस्ट मन अलग हो गए ना उसे आपको सारे राज पता है, वो कल जाकर पूरी दुनिया में आपको आंखा थकाएगा कि ये तो ये भी करता है ये तो वो भी करता है ये तो वो भी करता है। सर CSIR क्लियर किए बिना एंट्रेंस से PhD करना कर लो, कहीं से भी PhD कर लो, डजंट मैटर,
बस फेलोशिप नहीं मिल रहा है तो झेल लेना, अगर नहीं झेल पा रहे हो तो फेलोशिप के लिए सीएसआईआर कर लो। सीएसआईआर से पीएचडी इंपैक्टफुल नहीं होगी, बस पैसे मिलते रहते हैं महीने भर महीने, तो उससे आपका जो है मन लगा रहता है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है चलो काम करें क्योंकि सेल्फ कुछ पैसा मिल रहा है। अदरवाइज और क्या है सीएसआईआर, और कुछ थोड़ी करता है आपका सीएसआईआर, सिर्फ पैसा ही तो देता है ना। महीने का 31,000 रुपये 31,000 पर मंथ मिलेगा आपको सीएसआईआर, ये देगा पहले दो साल, उसके बाद 35,000 बस ये मिलेगा आपको। इससे बहुत थोड़ी कुछ हो जाएगा जिंदगी में, कहीं बहुत कुछ होगा। और कई सारे इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट की खुद फंडिंग होती है, जो गेट से पीएचडी लेते हैं, गेट फेलोशिप नहीं देता, गेट सिर्फ क्राइटेरिया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि गेट से जो लोग एडमिशन लेते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट फंडिंग होती है, मतलब इंस्टीट्यूट के पास अपना फंड होता है, वो फंड इंस्टीट्यूट बच्चों पे लगाता है और देता है। ये सब फंड ज्यादातर आईआईटीज में मिलते हैं आपको, जो इंस्टीट्यूट फंडिंग करते हैं, या कुछ हैवी लैब्स होते हैं जिनमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट फंडिंग जैसे डीएसटी की फंडिंग है, वुमेन साइंटिस्ट की फंडिंग है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कई सारे प्रोफेसर अपने अंदर प्रोजेक्ट रखे रहते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स की जो फंड्स होते हैं उनसे वो डीआरएफ पीएचडी करवाते हैं, उनसे अपना काम करवाएंगे, उसको पीएचडी अवार्ड कर देंगे, इस तरीके का। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, पैसे भी करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फेलोशिप के बिना किसी चीज़ के पीएचडी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पेपर भी निकाल रहा है, चीज़ें कर रहा है, डज नॉट मैटर कि आप आईआईटी से करो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, कहीं से भी करो, क्योंकि आज के टाइम पे बीटेक की जैसे इज्जत वही हो गई ना, इतने सारे बीटेक है कि हर मोहल्ले में एक बीटेक नजर आता है, हर मोहल्ले वैसे ही पीएचडी वाला कंडीशन है कि बहुत पीएचडी पड़े हुए पड़े। ग्रुप डी की नौकरी में जो है लाखों लाखों पीएचडी, ग्रुप डी चपरासी जिसको बोलते हैं उसमें पीएचडी भरता है भाई, सोचो इसमें पीएचडी भर रहा है, कुछ है नहीं सर, बिना फेलोशिप के कितना पैसा होना चाहिए पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, सर्वाइवल के लिए जितना पैसा होता है उतना ही चाहिए होता है ना। अब आप महीने का खर्चा निकलना चाहिए, और जो फीस होती है 30-40,000 रुपये, वो मैक्सिमम मैंने कभी कैलकुलेट करके थोड़ी बैठा हुआ है, 10,000 महीने का जोड़ लोगे, मैं अगर बोलूँ कि आपके 10,000 पूरा खर्चा 10,000 महीने का है तो 10×12 है, ठीक है ना, तो लगभग लगभग 1,20,000 1,20,000 पर ईयर, इस तरीके से अगर मैं आपकी पीएचडी 5 साल की मान के चलूँ तो 1,20,000 5-6 लाख लगभग लगभग आ जाएगा, 6 लाख आपका सर्वाइवल का खर्चा सिर्फ लग जाएगा विदाउट फेलोशिप। इन सब के अलावा जो है पर सेमेस्टर 50,000, अगर मैक्सिमम फीस की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम फीस 50,000 किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें तो 50,000 पर सेमेस्टर, 50-50 1 लाख हर ईयर के लिए 1-1 लाख, तो 6 लाख और जोड़ लो, टोटल 12 लाख है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कैलकुलेट करके। आज के टाइम पे 10,000 तो चल खर्चा भाई साहब, अगर 5,000 सिर्फ रहने का है, खाने पीने में 2-3,000, फिर बाकी मेडिसिन से लेकर कभी कुछ हो गया तो 1-2,000 तो वैसे विंडो रख लो, चाय पी के कुछ इधर उधर, सो 12 लाख आपका ये समझ में आ रहा है। गेट्स यूनिवर्सिटी में पीएचडी एनरोल कर सकते हैं, तो करो ना भाई, जहाँ पे अलाउ होगा वहीं करोगे ना, यूनिवर्सिटी वाला अलाउ ही नहीं करेगा, और करेगा भी तो फेलोशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये वही बता सकता है। गेट का एग्जाम आईआईटी के लिए ज़्यादातर होता है, और जहाँ अलाउ होता है वहाँ फेलोशिप नहीं मिलती है, याद रखना। सीएसआईआर के थ्रू पैसा मिलेगा लेकिन गेट के थ्रू पैसा नहीं मिलेगा, अलाउ है या नहीं है ये आप जान लो, और पैसा इंस्टीट्यूट दे रहा कि नहीं दे रहा ये आप क्लैरिटी के साथ मेंशन होता है कि क्या है क्या नहीं। एंड विदाउट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, विदाउट फेलोशिप पीएचडी इज नॉट गोइंग टू वर्थ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल it will drain your brain, your depressions, your mental energy, mental things, because let me tell you very frankly, everyone here is suffering from mental problems, somebody is like 10% problem, somebody has 20% problem, somebody has a 30% problems, everyone is suffering from depression here, sab kar raha hai, koi keh nahi pata, bahut aasan hota hai kisi ko keh dena ki bhai chill maar kar raha kar, has khel ke raha kar, khush reh ke raha kar, but kaun nahi chahta, agar depth level ki baat karo, ekdam practical level ki baat karo, to chahe wo koi bhi person kaun nahi chahta ki khush rahe, पागल तो कोई है नहीं ना कि ये चाकू लेके हाथ काट रहा है बैठ के, साइकोलॉजी वो तो ही नहीं है कि साइकिक है भैया कि देखो साइकिक अलग है एकदम एकदम साइकिक में बात नहीं करो, लेकिन जनरल पर्सन जो है कोई नहीं चाहता कि वो दुखी रहे जबरदस्ती हो जाता है। अब जैसे सीधी सी बात है, बॉडी में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चाहता थोड़ी उसको डेंगू हो, उसका प्लेटलेट डाउन हो जाता है भाई, कोई पैथोजन एंट्री करता है ना तो हो जाता है, ऐसे ही ये पर्टिकुलर मेंटल इलनेस एक बीमारी है जो हम कभी कंसीडरेशन ही नहीं करते, कोई बात नहीं कर रहा होता, एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस सम हाउ एट सम लेवल, आइदर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर सफरिंग, एंड दिस मेंटल इलनेस विल किल यू इन सम सर्कमस्टेंसेस। अगर आप सोचोगे, अगर आप मिडिल क्लास के बंदे हो जिसको अगर एक मेल है वो तो विदाउट जीआरएफ कर ही नहीं सकता पीएचडी, किसी भी लेवल पर नहीं कर सकता, यू कैन डू विदाउट जीआरएफ पीएचडी ओनली इफ योर फैमिली इज वेरी वेरी स्टेबल, योर फैमिली अपर मिडिल क्लास फैमिली, इसको पैसे की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फीमेल कर सकती है, और वो भी वही फीमेल कर सकती है जो कि एक अपर मिडिल क्लास की है, अपर मिडिल क्लास का मेल भी नहीं कर सकता भाई, और रिच फैमिली वाले लोग सीएसआईआर करता नहीं है, इतना पैसा होता है वो कहीं और नहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं पैसा देकर नौकरी लगवा देगा, रिच फैमिली इसमें जितने भी यहाँ पे है ना कोई करोड़पति नहीं बैठा होगा, 90% इक्का दुक्का हो सकता है करोड़पति हो, लेकिन 90% मैं बोल सकता हूँ कि वो मिडिल क्लास फैमिली ही है, और उसमें इस मिडिल क्लास फैमिली में हर मेल के ऊपर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी होती है। पता है एक आदमी, एक लड़का जब पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके पैदा होते वक्त में आई जाती है, उसके बाद उसके पूरे कंधे पे जिम्मेदारी थोप दी जाती है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो घर की रखवाली, और बड़ा हो तो मम्मी पापा की, फिर बीवी की, फिर बेटी की या बच्चों की, उसके ऊपर जिम्मेदारियां थोप दी जाती है, और एज अ मेल इट इज नॉट पॉसिबल टू डू विदाउट जीआरएफ, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी आता है। 12 लाख लाओगे कहां से, सामने तो गिनाया ना, अभी 12 नहीं मांगते, सिर्फ सर्वाइवल की बात करो, 6 लाख कहां से लाओगे, चलो फीस छोड़ो लोन ले लिया, बाकी सर्वाइवल के लिए भी जो डेली 1,000-2,000 चाहिए वो क्या करो, वो लोन से लोगे, सो समथिंग ये जो है सर उस आपको फी भी लगती है, नहीं भाई हम तो पैसे बिना फ्री के पढ़ रहे हैं, हमें तो पैसा नहीं देना होता कहीं पे, ये सब चीज़ें जो है बहुत प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, जिस पर आपको सोचना चाहिए, आप चीज़ें जहाँ पे क्या नहीं है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। सर कितनी लगती है आपकी फीस, यार मुझे याद नहीं है, अगर हम मेस के साथ हॉस्टल में रहते तो लगभग 30,000 के आसपास टोटल लगती है, नहीं तो 15,000 के आसपास फीस है पर सेमेस्टर, ठीक है। अरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का कम होता है भाई, हर एक इंस्टीट्यूट का ज़्यादा नहीं होता,
ये इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट जो है वो वेरी करता रहता है ना। तो पैसे हर इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से होते हैं, जरूरी कि सबका 50,000 कुछ इंस्टीट्यूट लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, अलग अलग आईआईटीज की अलग अलग फीस होती है और साथ में यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस होती है। तो सर आप किस इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं? आई मीन आईआईटी बीएचयू भाई, याद रहे ये आईआईटी है, इसका रूल्स और रेगुलेशंस ये करता है। बीएचयू सिर्फ बीएचयू कैंपस में होता है और इस यूनिवर्सिटी से लिंक है, तो इस वजह से पहले आईआईटी बीएचयू था, अभी वो आईआईटी बीएचयू बन गया। ठीक है, जैसे पहले बीएचयू में मेडिकल साइंसेज के लिए फील्ड था, अभी वो एम्स बन गया। कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि बनारस में भी एम्स से मानते ही नहीं है, कहते बनारस में एम्स कहाँ से आ गया? भाई साहब बनारस का पहले जो आईएमएस था, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाउ इज कन्वर्टेड टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स। ठीक है, जो जिसको नहीं पता है मैं उनके जानकारी के लिए बता दूँ कि आप एम्स में इलाज करवाने आते हैं बनारस में, जो जिस बीएचयू हॉस्पिटल बोलते हैं वो एक्चुअली में एम्स है। ठीक है, नए नियमों के हिसाब से अगर आते हैं तो नहीं आए बढ़िया, गेट रैंकिंग के साथ क्लियर होना जरूरी है। एक तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है यार, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चे एकदम नाजुक पैदा होते हैं आजकल। कौन से ऐसे जगह पे आपसे रैंक पूछा जाता है? आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है? किसी ने किसी इंटरव्यू में कभी कोई रैंक नहीं पूछता, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपका रैंक क्या है। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो बुढ़े बुढ़े से प्रोफेसर बैठे रहेंगे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका रैंक क्या है। वो चार क्वेश्चन पूछेंगे तो वो चार क्वेश्चन आपने बताकर उनको इंप्रेस कर दिया ना, आप कितने भी घटिया रैंक हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत एग्जांपल्स मैंने लाइफ में देखे, 400 या 300 समथिंग स्कोर था, गेट में स्कोर आता है ना, 1000 के बेसिस में स्कोर कैलकुलेट होता है, 324 स्कोर पे जो है आईआईटी बॉम्बे मिलते हुए भी देखा है। एक मेरी जूनियर थी, इसने स्कोर आईआईटी बॉम्बे ले लिया, जहां पे लोगों को आईआईटी बॉम्बे 600-700 पे नहीं मिलता जनरली देखा जाए। लेकिन इट्स डिपेंड्स, देखो आप कुछ आईआईटीज अपना कट ऑफ सेट कर देती है, कुछ आईआईटीज अपना कट ऑफ सेट कर देती है कि भैया मुझे 600 से नीचे नहीं चाहिए, अब नए नए नियमों के हिसाब से। बट धीरे धीरे जो है, पहले ऐसा नहीं होता, पहले हर आईआईटीज में अलग अलग एप्लीकेशन होते थे, तो उनमें कोई भी अप्लाई करता था इंटरव्यू के लिए जाता था। बोले कैसे सर, अभी तो बताया कैसे इंटरव्यू क्रैक करके, सुन क्या रहे हो बेटा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन इंप्रेसिंग द इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर आपके स्कोर कार्ड से नहीं मारा जा रहा है, आप एआईआर 6 है, एआईआर 1 है, या एआईआर जो है 1000 है, डजंट मैटर, है ना। अरे क्रिकेट देखते हो, टी20 वर्ल्ड कप देखा, सूर्य कुमार यादव टी20 का नंबर वन बैट्समैन है, लेकिन सेमीफाइनल में रन तो हार्दिक पांडे बना के गया ना भाई। तुम्हारा रैंकिंग थोड़ी मैटर करता है, याद तो तुम्हें तब करेंगे जब तुम परफॉर्म करते हो और वहां पे जहां जरूरत है। विराट कोहली चलो अपनी जगह पे ठीक है, योर रैंक्स डजंट मैटर, इट डिपेंड्स कि हाउ यू परफॉर्म व्हेन इट रिक्वायर्ड। तो रैंक सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा होता है, अपने आप को दिखाने के लिए, ओहो मैं 10 रैंक हूँ, मैं 20 रैंक हूँ, मेरा इतना रैंक आया, मैं ये क्वालिफाई किया हूँ, मैं वो एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। लोग आज भी बहुत बताते रहते हैं, मैंने 10 बार सीएसआईआर किया, मेरा एआईआर 2 है, मेरा एआईआर 1 है, मेरा एआईआर 10 है, क्या करेंगे भाई 10 करके? किसी ने नहीं पूछा, हम बताते हैं फालतू का। ठीक है, आपको फैसिनेटेड लगता है यार एआईआर 1 वाओ। आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि कई सारे ऐसे बंदे होंगे जिनका भले सीएसआईआर में एआईआर 1 क्यों ना हो, बट दे आर नॉट अ गुड टीचर, और कई ऐसे टीचर है दे डोंट इवन क्वालिफाई एआरएफ, बट दे आर वेरी गुड टीचर। इसका एग्जांपल जो है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना, मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। तो इट्स समथिंग कि ये मैटर ही नहीं करता आपका प्रोफेशन, आपके टैग और डिग्री से, या आप पता नहीं किस दिन समझेंगे आपके इंस्टीट्यूट, आपका टैग, लिटरली एक लेवल के बाद आपका ये आईआईटी या आपका जेएनयू या आपका बीएचयू कोई नहीं पूछने वाला, नोबडी इज गोइंग टू आस्क इट कि आपने पढ़ा कहां से है। एक्चुअली जो मैटर करेगा वो स्किल मैटर करेगा, यस काबिलियत आपकी मैटर करेगी। आईआईटी खड़गपुर से कई लोगों ने बीटेक किया हुआ है, सब सुंदर पिचाई बनकर गूगल का सीईओ क्यों नहीं बन गए, या बहुत सारी आईआईटी से बहुत लोग पैदा हुए हैं, कहीं नहीं सबके सब हर जगह पर पहुंच गए। सभी के पास अगर आईआईटी ही पहुंचा रहा होता सबको तो कैसे नहीं पहुंच गए? वो तो सुंदर पिचाई की अपने पर्सनल स्किल्स का जो उसको लेके गया वहाँ पे ना। और मेरे ही डिपार्टमेंट में अपने ही एग्जांपल की बात करूँ तो सभी आईआईटी बीएचयू के हैं, लेकिन सभी के सभी एक लेवल पे नहीं जाएंगे, जो मेरे बैच से हैं या मेरे आसपास के बैचेस से, सब 10 साल बाद देखोगे सब अलग अलग पोजीशन पे होगा। दो रीजन है, पहला रीजन तो फील्ड अलग होगा, और दूसरा रीजन है कि उसके अलावा आप जो है कितना स्किल्स एक्वायर करते हैं। कई बार आप देखते होंगे कई लोगों के पास बहुत प्रोफेशनल डिग्री होती जरूर है किसी चीज़ की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया होगा, लेकिन गाड़ी का ठीक करने का लोकल शॉप वाला उसे अच्छा कर सकता है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फील्ड आता है जिसमें जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएगा, लेकिन जो लोकल शॉप वालों का गाड़ी अगर देखते बता देगा ये प्रॉब्लम है, इसको ये करवाइए सही हो जाएगा, लेकिन साथ वो पता नहीं कर पाया जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ के आया। होता है ऐसा, पहले लोग नब्स देख के पता कर लेते थे कि ये प्रॉब्लम है, अभी अभी बड़े बड़े डॉक्टर को पता नहीं चलता, वो टेस्ट करवा के पहले जाओ टेस्ट करवा के आओ तब पता चलेगा कि हुआ क्या सही थिंग। सो समथिंग स्किल्स मैटर, और ये आपको बहुत देर में रियलाइज होगा, बहुत देर में जाकर रियलाइज होगा कि आपकी आपका ग्रोथ जो है आपकी डिग्री पे मैटर ही नहीं करता, बहुत देर में, जब आप कहते हैं ना सब कुछ जो है खत्म होने के कगार पे होगा तब, कि आपकी डिग्री आपके टैक्स ये सब मैटर ही नहीं करता, ग्रोथ के लिए जो मैटर करता है वो मैटर करता है काबिलियत, हुनर, एट द एंड हुनर मैटर करती, काबिलियत मैटर करती, कितनी काबिलियत है आप में। मेरे से बहुत नॉलेजेबल पर्सन बैठे पड़े हैं डिग्री के मामले में, मैं तो एक या दो बार सीएसआईआर क्वालिफाई किया हूं भाई, एक ही बार दो बार गेट क्वालिफाई किया हूं, एक बार डीबीटी दिया, उसके बाद मैं तो कई लोग 10-10 बार करके बैठा हुआ है, मेरे से वो भी एआईआर अलग मेरे से अच्छे ले लेते, वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन हो सकता है कोई टॉपिक मेरे से बेहतर ना पढ़ा पाता हूं, या हो सकता है किसी मामले में मुझसे बेहतर ना हो, ठीक है ना। तो इट्स समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स कि आप अपनी काबिलियत पे कितना काम करते हो, स्किल्स पे कितना। और यहां पे सभी लोगों को डिग्री के पीछे भागना, इंस्टीट्यूट के पीछे भागना, पेपर्स के पीछे भागना, पता इसी वजह से जो पीएचडी वाले लोग फ्रस्ट्रेट होता है ना कि पीएचडी करने के बाद भी क्या मजबूरी है कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। इसमें गलती सिस्टम की नहीं है, गलती फील्ड की नहीं है, गलती गवर्नमेंट की नहीं, गलती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कभी अपना ध्यान काबिलियत पे फोकस ही नहीं किया, हुनर को संवारा ही नहीं, हमेशा सिर्फ अपने पेपर्स को संवारते रह गए, अपनी डिग्रीज के पीछे, चाटुकारिता पे जो है पीएचडी करिए। एक्चुअली में चाटुकारिता अपने लेफ्ट फ्रेंड्स की, चाटुकारिता अपने जूनियर सीनियर्स की और अपने गाइड की, इसी वजह से जो है कहीं कुछ नहीं कर पाते सीरियसली। वो पेपर हमें पीएचडी के टाइम पे ऐसा लगता है बहुत वैल्यूबल है, लेकिन रद्दी के भाव आप जाकर देखना, आप खुद करोगे लैब में उसी पेपर को प्रिंट करा के किसी टाइम पे उसी पेपर पे जो है लंच कर रहे हो, समोसा लपेट के खाओगे, वही रिसर्च कितने इंपैक्ट फैक्टर रिसर्च पेपर पता नहीं पड़ेगा, टाइम पे समोसा लपेट के लिए क्या होगा।
दिस इज फैक्ट। एक लेवल के बाद आपको ये फील भी नहीं होगा कि मेरा पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब एक प्रोफेसर बन जाता है इंसान, एक अच्छे लेवल पर अचीव कर जाता है, उसे क्या मतलब है पेपर का? पेपर की जो वो होती है ना, वो असिस्टेंट से प्रोफेसर बनने तक की कहानी में होती है। इतने तक ही प्रोफेसर तड़पाए रहते हैं, जो असिस्टेंट होता है और जो प्रोफेसर नहीं बना होता। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जितने भी उसी, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है एसोसिएट से लेकर प्रोफेसर बनने में। उसके बाद कोई मतलब नहीं पेपर से, कहां क्या गया, कैसे गया, भूसा तैयार खत्म। स्किल्स कितने लोगों के पास है पता नहीं। जैसे वो लोग आरएनडी में जॉब करने जाएंगे, इनसे बेटर स्किल्स जो है नॉर्मल डीएमएलटी का लोगों का होता है। जो डिप्लोमा होता है, कभी भी देख लो मेडिकल फील्ड का कंडीशन जो है, डिप्लोमा वाला ज्यादा अच्छा काम कर लेगा। उनसे ब्लड सैंपल निकालने को बोल दो किसी भी मेडिकल फील्ड को, तो हाथ का अपने डीएमएलटी वाला फटाक से नर्सिंग वाला, उससे अच्छा काम कर लेगा। तो प्रैक्टिक काबिलियत कितनी आपके पास है, कितना चीजों पे कितना कर सकते हैं। कई ऐसे लोग जो नर्सिंग और मेडिकल लेबोरेटरी का कभी कोई काम डिग्री भी नहीं लिया, वो डेली किसी हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट खाली सिर्फ किसी डॉक्टर को असिस्ट कर रहा है। किसी ने उसको लगा दिया, उसके घर परिवार में गरीबी थी, वो बस जाकर किसी डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है मेरे साथ काम करो, बारह पढ़ के वो बस सीख रहा है। उसके हाथ उस पर्टिक जिसको हम कंपाउंडर में बोलते हैं, उसका हाथ जो है उससे ज्यादा स्किल होगा जो डिग्री लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसने हुनर सीखा, काबिलियत सीखी हाथों से। वो आपके नस को तुरंत पकड़ सकता है कि कौन सा नस कहां पे है। मोटे लोगों में कई लोग पकड़ नहीं पाते, नस नहीं मिले, ब्लड कहां से निकाले। ऐसे लोग अरे ये तो यहां से निकालते फटाक से। दैट ये सब, ये कहने का, ये सब बताने का सिर्फ तरीका है कि आप जिस दिन ये रियलाइज करेंगे कि आपका हुनर ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी काबिलियत है जो आपके आगे बढ़ेगा, आपकी डिग्री नहीं। आप डिग्री से सिर्फ सिलेक्शन पा सकते हैं, ग्रोथ नहीं। डिग्री का यूज करते हैं, इंस्टीट्यूट का यूज करके कहीं पे सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रोथ नहीं मिलने वाली उस चीज में। उसके बाद आप सोचोगे कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा? नो। आपका ग्राफ जो है इतना तक हो सकता है, आपको इनिशिएट कर सकता है। इट्स लाइक एसडीएस पेज, एपीएस एंड टेमेड। एपीएस का काम आपका डिग्री कर सकता है, बट टेमेड बहुत जरूरी है, दैट इज योर स्किल्स। ये इनिशिएट तो कर देगा, लेकिन विदाउट टेमेड कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब आप जो इनिशिएट करा दोगे पॉलीमराइजेशन, बट पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करने वाला ये चाहिए, दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स। ये बड़ी देर बाद समझ में आता है हमें, जब हम फील्ड में हाथ पर मार लेते हैं, दुनियादारी सीख लेते हैं। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत फील्ड में इधर उधर हाथ पर मारा हुआ, और अल्टीमेटली रियलाइज किसी को अभी होगा, किसी को लेट होगा, लेकिन होगा जरूर कि हमारे अंदर स्किल्स काम आएंगे बहुत, किसी भी फील्ड में हो। आप किसी फील्ड में अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, तो अपने स्किल्स पे काम करो, टीचिंग स्किल्स पे। डिग्री बहुत नहीं, आपने ऐसे कई जगहों पे देखा होगा कि आईआईटी से पढ़ा हुआ प्रोफेसर आता है, उसको पढ़ाने कुछ नहीं आता, लेकिन एक छोटी इंस्टीट्यूट का, बीटेक का स्टूडेंट, एमएससी का स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ा के चला जाता है कभी कभी गेस्ट लेक्चर्स में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने स्किल्स पे काम किया, डिग्री पे नहीं। तो अगर आपको टीचिंग करना है, तो उस टीचिंग स्किल पे काम करिए। अगर आपको रिसर्च करना है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल्स पे काम करिए। एनालिटिकल थिंकिंग लाइए, क्रिएटिव डिजाइनिंग करिए, क्रिएटिव सोचिए, नया सोचिए, रिसर्च एप्टीट्यूड अपने अंदर डेवलप करिए, वो सारी चीजें रिसर्च करिए। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, तो थोड़ा और जो है इनोवेटिव सोचने की कोशिश करिए, नए चीजें जोड़ने की कोशिश करिए, लिंकअप करने की कोशिश करिए। साइंटिस्ट हमेशा वही बन सकता है जो इमेजिनेशन, इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, इफ यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट बी साइंटिस्ट। अगर आपको इमेजिनेशन आ ही नहीं सकता दिमाग में, तो कुछ नया सोच ही नहीं सकते। हमेशा जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, वो हमेशा नए मतलब इमेजिनरी दुनिया को क्रिएट करने के लिए ही नया चीज इन्वेंट किए, कि ऐसा होगा तो क्या होगा। और उसी चीज, वो जब तक आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं सोचेंगे ना, वो आप क्रिएटिव, आपके अंदर वो इनोवेटिव थिंग्स, वो नॉवेलिटी आना मुश्किल है। तो कहते हैं कि कुएं का मेढक अभी अगर बने रहा, कि आपके पास एक कुआं है और इस कुएं के मेढक बने रहे, तो आप इतना ही दूर तक सोच पाएंगे। आपको पता नहीं किसके बाहर कितनी दुनिया है। टीचर्स के लिए सर, टीचर्स के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। एज अ टीचर मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जिस दिन आप अगर टीचर बनना चाहते, तो फर्स्ट बी ए स्टूडेंट एंड जस्ट रिकॉल योर स्टूडेंट लाइफ। मैं हमेशा एक चीज बीच में बोला था, बोलता रहता हूँ कि मैं जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स में पढ़ता था, या मेरे टीचर्स ऐसे पढ़ाते थे, जिसे मुझे पसंद नहीं आता था, कि इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए। कभी कभी आपको किसी टीचर की क्लासेस इवन मेरी देख के लगता होगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे भी बताया जा सकता था। तो वो चीजें जब आपके पास आएंगे कि और कैसे, जब तक हम खुद को स्टूडेंट्स नहीं बनाएंगे, तब तक हम खुद को बता ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को चाहिए क्या। एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसे पहले स्टूडेंट बनना चाहिए, तभी जाके वो किसी स्टूडेंट को समझा सकता है। और जो इंसान खुद को नहीं समझा सकता है, वो दूसरे इंसान को कैसे समझाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद को पहले अपने आप को इंप्रेस करिए अपने एक्सप्लेनेशन से, कि ये ऐसे हो रहा है, आपको मजा आ जाएगा खुद ही। जैसे मैं किसी चीज को बोलता हूँ, क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि यू विल नॉट फाइंड दिस इन एनी क्लास, चाहे वो कुछ कोर्स हो, कुछ नॉलेज हो, कुछ ऐसी चीजें जो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा स्किल है, वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखा मैंने लोगों को पढ़ाते हुए, मुझे पता है लोग कहां तक कितना सोच सकते हैं। मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली, मैंने नहीं सबकी क्लासेस देखी कि सब क्या क्या पढ़ाते हैं, मैं थोड़ी बैठ के देखा हूं इतना टाइम थोड़ी, कि हां एक्सवाईजेड एजुकेटर क्या पढ़ा रहा है इस टॉपिक पे, ये क्या पढ़ा रहा है। मैं किसी की क्लास देखने गया, फिर भी मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें कुछ नया सोच रहा हूं, क्योंकि ऐसा सोचना कुछ नया है, हमें अच्छा फील होता है वो चीज जानकर, उस चीज की हमारा दिमाग इस लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। और जब भी मैं फुल फ्लेज में टीचिंग पे होता हूं, तो मेरा माइंड इतना खतरनाक काम करता है कि मैं स्टडीज को सिंप्लीफाई करके एकदम जीरो लेवल पर कर सकता हूं। ये आप लोग कभी कभी फील करते होंगे, जिस दिन एकदम फुल मूड में होता हूं, उस दिन हलवा बना सकता हूं मैं पूरे नॉलेज को। बट ये कि डिपेंड, हर दिन उतना मूड नहीं, मतलब उस तरीके का एनर्जी नहीं होता, ठीक है ना। बट आप मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आप अपने ऊपर भरोसा करिए, जो भी स्किल आपके पास है, ठीक है ना, जो भी स्किल आपके पास है, आप उस स्किल पे रिलाई करिए। और मैं लिटरली आपको बोलूं कि आपको पता भी नहीं है कि आप कौन सी स्किल एक्वायर कर सकते हैं। स्किल इज एक्वायर्ड सिस्टम, स्किल इज नॉट इन सिस्टम। हम क्या सोचते हैं कि स्किल इज इन सिस्टम, समबडी इज अ गुड एजुकेटर, ये बचपन से टीचर। नो, आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर, मुझे तो कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था भाई, मैं पढ़ाने में कैसे इंटरेस्ट आएगा आप सोचो। बट आज मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे मजा भी आता है बोलने में, अनटिल अनलेस मेरी बॉडी पेन ना कर रही हो ड्यू टू सम ऑफ द मेडिकल इश्यूज। अगर मैं मेरी बॉडी ठीक है, अच्छा, तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, एंजॉय भी करता हूं जब सब सुन रहे होते हैं। लेकिन ये है कि आखिर ये स्किल क्या ही कैसे, मेरी मजबूरी थी, ये भी जमीन बोलूं कि मेरी मजबूरी थी, कि मेरे पास जो है, मेरी स्टार्टिंग इसी तरीके से हुई थी कि मेरे जो जूनियर थे, मैंने जब गेट क्वालिफाई किया था, तो उन्होंने बोला कि मेरे सर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता दो, तो मैं उनको क्वेश्चंस पहले पेपर पे लिख के बताता था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा सर थोड़ा सा अगर बोल के समझा दो, तो मैं उनको ऑडियो भेजा, और फिर उन्होंने बोला सर बोलने के साथ थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड कैसे बता दो, तो फिर मैंने पेपर पे एक कैमरा ऐसे होता था, स्टैंड सेट करता था लकड़ी का, फिर ऊपर मोबाइल रखता था, नीचे लिख लिख के वीडियो बनाता था और उनको भेज देता था पर्सनली व्हाट्सएप पे। फिर मुझे हुआ कि जब वीडियो से दो चार लोगों का फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों ना इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूं, 10 लोगों का फायदा हो। मुझे इतना तो ज्ञान नहीं था कि बहुत कम लोग इस पे व्यूज देखेंगे, क्योंकि ये फील्ड बहुत छोटा है। मैं तो फिर इसको बिना किसी अटेंशन के, मुझे कभी नहीं पता था मैं टीचर बनूंगा, लेकिन मैंने बस लोगों की हेल्प के लिए यूट्यूब पे डाल देना शुरू कर दिया, कि चलो अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मेरे जूनियर हेल्प ले रहे, कुछ जिसको जरूरत होगी वो हेल्प लेगा, तो वहां से जो है मैंने वो कर लिया। और फिर यूट्यूब से देखते देखते बच्चे पसंद करने लगे, फिर एक दिन अकेडमी ने मुझे बोला कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, फिर मैं यहाँ जुड़ गया, और फिर इस चीज़ का हिस्ट्री।
तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं किसी दिन टीचर बनूंगा, लिटरली कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं कैसा इंसान था जो टीचर को बहुत दूर से नमस्ते करता था, और इसलिए क्योंकि मुझे पता था सारे बच्चे टीचर्स को कितनी गालियां देते हैं पीठ पीछे, जैसे आप लोग भी मेरे को देते होंगे। तो मुझे था कि मैं टीचर तो कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी मुझे कि मैं गालियां तो नहीं सुन सकता, ठीक है। बट आज कुदरत का करिश्मा कुछ और था, किस्मत ने कुछ ऐसी मोड़ ली कि मैं वहां आकर कर लिया जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। तो लाइफ यही है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं कि आप वो स्किल भी एक्वायर कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके पास कभी हो ही नहीं सकता था, ठीक है। इट डिपेंड्स आप इंटरेस्ट पे करो या मत। मेरे पास मजबूरी थी क्योंकि मुझे चाहिए थे पैसे, सीधे शब्दों में, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशंस वाज नॉट टू गुड, बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे सपोर्ट करना था अपनी पूरी फैमिली को, तो उस वजह से मैं जो है ये फील्ड में घुसा, और धीरे 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 लोग पसंद करने लगे, और हमेशा मेरे साथ ये रहा कि मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता रहा। हर बैचेस में आज भी आप देखोगे मेरे नोट्स में थोड़े थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया चीजें, कुछ ना कुछ चीजें आपको हर एक टॉपिक हर बैच में आपको एक्सप्लेनेटरी चीजों में अलग मिलेगा। कभी ऐसा नहीं कि मैंने पिछले बैच में जिस टॉपिक को जैसे एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था एक्जैक्टली आपको होगा, कुछ ना कुछ एम्प्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, और अगर उसको हम सिंप्लीफाई करते वो चीजें करते। इट इज समथिंग जो मैं अपनी स्टोरी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपनी तारीफ के बेसिस पे नहीं बोला मैंने, बस इतना बोला कि अगर एक ऐसा इंसान जिसे कभी टीचिंग पसंद नहीं था वो आके उस स्किल को एक्वायर करके आपके सामने कुछ बोल सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। आप रिसर्चर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, आप जो है राइटर बनिए। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा राइटिंग स्किल रखते हैं, पेपर राइटिंग अच्छी लिखते हैं, पता जो लोग जिनको राइटिंग में इंटरेस्ट है ना, आप लोग बुक राइट करो, पेपर राइट करो, अलग अलग फील्ड के, एक ही फील्ड के नहीं, आप अलग अलग फील्ड के पेपर रिव्यू पेपर्स लिखो, आपको इतना ज्ञान हो जाएगा उस फील्ड का कि आप जो है पेपर पब्लिश करो शांति से, पेपर भी आपके नाम पे आ रहे हैं और साथ में आपके पास ज्ञान भी बढ़ेगा। इट्स समथिंग आपको लोग देंगे कि हाँ ये मेरा पेपर लिखे दो। आज के टाइम पे लिटरली देयर इज नो पर्टिकुलर पर्सन हु आर गोइंग टू राइट द रिव्यू पेपर्स, ये लैब में 4-5-10 लोग मिलकर लिखता है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो एक टीम बनाओ, प्रॉपर किसी से टॉपिक लो, पैसा लो कि भाई 10,000 ले रहा हूं तेरा इस टॉपिक का रिव्यू पेपर, रिसर्च नहीं, रिव्यू पेपर लिख दे रहा हूं। आपको मजा आता है, ये आपकी हॉबी है, आपकी स्किल है, आपको प्रेजेंट करने में मजा आता है, कंपाइल करने में मजा आता है। आपने 10,000 रुपए पेपर कर लिया रिव्यू पर, हर कोई देगा भाई, ठीक है ना। 3 पेपर महीने में लिख दिया, 30,000 रुपए कमाई है, कोई लीगल काम नहीं है, रिव्यू पेपर लिखना कोई लीगल काम नहीं है, आप सिर्फ ऑथर से दे रहे हो उसको। इवन आप चाहो तो आप लास्ट ऑथर से खुद कर सकते हो, ये कंडीशन है कि लास्ट ऑथर जो है मेरा हो, अगर आपको नाम चाहिए तो। इट इज समथिंग दैट यू कैन डू, आपकी स्किल है कि नहीं है वो मैटर करता है। जैसे मेरा राइटिंग में स्किल नहीं है, नहीं मेरा इंटरेस्ट अभी आ पाता, मैंने कोशिश तो बहुत करी बट मेरा स्किल भी नहीं है। इस पर्टिकुलर सेशन में कैसे आप बढ़िया, ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्कोप इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो रिजल्ट आ गया है जी, बिल्कुल आ गया है, जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग अपना एंजॉय करें। आज तो सर CSIR रिजल्ट जस्ट ने एक साथ, ओके ठीक है, एंजॉय करो आप लोग, और जिसका क्वालिफाई हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका नहीं हुआ है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप अभी बात कर लेंगे इन एडवांस, है ना। इस बार नहीं तो अगली बार से, तो आपने हमेशा नहीं सुना है अगली बार CSIR, ठीक है। तो एक कहावत है, सरकार तो नहीं बोल सकते पर CSIR तो बोल सकते हैं, अगली बार हमारी होगी CSIR। माइक्रोस्कोपी के ऊपर बात करते हैं। अब देखो जिंदगी में जैसे ही आपके किसी भी पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटेशन में आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षय कुमार भी आए थे क्लास में, बाबू भैया। ठीक है ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, हो गया हो तो बताइए, फिर हो गया सर हम लोगों के लिए वो दिन कब आएगा? आएगा भाई साहब, रोते काहे रहते हो यार, सबकी शादी एक ही दिन हुई थी क्या? जिसकी किस्मत में जब शादी लिखी हुई थी तब शादी हो गई थी ना, कि सबकी शादी एक ही दिन हुई थी। आपकी शादी भी होगी, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा, कभी कभी कुछ लोगों का लेट शादी होता है, किसी किसी की जल्दी हो जाती है, मेहनत करो आप क्या जाओगे। अर्शदीप को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अर्शदीप ने भाई वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करी थी, हाँ यहाँ भी आया अर्शदीप भाई, अच्छी बॉलिंग करी थी, तूने मस्त फेंका था सर। आई एम क्वालिफाइड DRF विद AI 129, कॉन्ग्रेचुलेशन। रोशनी ने भी जो है अपनी जिंदगी में रोशनी कर दिया, और कोई है भाई? आई एम अ गर्ल, ओके। एक तो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, क्योंकि उनमें दीप दोनों में जुड़ता है, और मेरा एक दोस्त उसका नाम है नवदीप, वो लड़का है, और उसकी गर्लफ्रेंड है अर्शदीप, वो लड़की है। मेरे को काफी कभी कंफ्यूजन होता है, मैं दोस्त को अर्शदीप बोल देता हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड को नवदीप बोल देता हूँ, बट ठीक है थोड़ा सा चलता है। My rank is 187, ठीक है। रैंक वैंक का ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, क्वालिफाई करके इंटरव्यू की तैयारी करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, और दोबारा एग्जाम देके जो है सीट खाने की कोशिश मत करना दूसरों के बहकावे में आके ना, क्योंकि रैंक से कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए इन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स थे उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लगी, और इसकी वजह से उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया और ये लोग क्वालिफाई करे। आप अपनी जिंदगी में भी माइक्रोस्कोप लगाइए, और जो प्रॉब्लम्स या जो मिस्टेक्स आप नेग्लेक्ट करते हैं उन मिस्टेक्स को एम्प्लीफाई करिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ इतनी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें लगता है हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमारे वो रिजल्ट में रोड़ा डाल रही होती है, और इसी वजह से उनको हमें देखना जरूरी होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में भी एक माइक्रोस्कोप लगाइए और देखिए कि वो छोटी मिस्टेक्स है कौन सी। देखो अब यहाँ पे 10 दिनों तक, मतलब 10 दिनों तक या महीने भर भी बोल सकता हूँ, बट अब 10-15 दिनों तक तो है
भूचाल आएगा, आज तो मानो चली रहा पूरा दिन चलेगा, बट इसके बाद एक भूचाल आएगा इंटरव्यू सेशंस का, इंटरव्यू विद टॉपर्स, हाउ आई क्लियर दिस, है ना। आप लोग आराम से देखिएगा, मस्त एंटरटेनिंग होगा, एंजॉय करिएगा। और यस, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, इतना इतना मेरा बच्चा है तू, ये वाला बड़ो। और बेस बढ़ा सकता हूँ लेकिन बढ़ा नहीं रहूँ, बट ठीक है, अपन अपनी जरूरत के हिसाब से बेस बढ़ा लेते हैं जब भी लगता है। फिलहाल के लिए हर कोचिंग बोलेगा ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, ये सब मेरा बच्चा है, और इन सबसे दूर रहना, अपना टाइम ज़ाया मत करना, क्योंकि इन मेरा बच्चा है कि तू में अब जाओगे ना तो बड़ा कच्चा है तू वाली कहानी आ जाएगी, और लिटरली इस बच्चे के चक्कर में आप कच्चे बनेंगे और गच्चे खा जाएंगे, और गच्चे खाएंगे तो अगला जो CSI होने वाला है उसके लिए शायद फिर से अगली बार तैयारी। हमेशा किसी एक बहुत ही अच्छे इंसान ने एक लाइन बोली थी कि विनर्स फोकस ऑन विनिंग एंड द लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। जो जीतने वाले होते हैं वो विनिंग पे फोकस करते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो विनर्स पे फोकस करते हैं, और आपका फोकस विनिंग पे है कि विनर्स पे है, अब ये डिसाइड आप कर सकते हो। आप यहाँ पे कौन क्वालिफाई किया, क्या किया, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जहाँ पे आपको जाना है उस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। कौन कितने अटेम्प्ट में किया, कौन क्या यूनिट पढ़ के किया, अभी देखो कई लोग इतने नाजुक होंगे ना कि वो फॉलो करने लगेंगे अपना, वो ना कोई कुछ बोलेगा कि यार मैंने तो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई नहीं था, मैं तो इस XYZ प्लेटफॉर्म से पढ़ी थी, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कहोगे हाँ यार मैं वहाँ सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ, या कोई बोलेगा मैंने तो वीरेंद्र सिंह से पढ़ाई नहीं, वीरेंद्र सिंह तो इतना एटीट्यूड वाला इंसान है, बहुत घमंडी है ये तुम्हारी लाइफ में, ये बहुत घटिया इंसान, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो कुछ जैसे मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो पढ़ते भी थे मेरे से, या जो मेरे मित्र लोगों को ये लोग टेक्स्ट करते, मतलब ये कहते कि ये बहुत घटिया इंसान है तुम इससे मित्रता मत करो, और उन लर्नर्स को पता नहीं चलता कि अरे मेरे मतलब जो जानने वाले लोगों से बताओगे मेरे पास पता चल जाएगा, ठीक है। तो बट ठीक है, कुल मिला जुला के उस चक्कर में आपको हाँ यार ये बात सही है, ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला इंसान है, अब दूसरे के पास चल लेते हैं, एनी पर्टिकुलर कंडीशंस कुड बी देयर, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मिस्टेक्स जो है दूसरे कभी नहीं बता सकते आपकी जिंदगी में कि आपने मिस्टेक करी क्या, वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में जो है बैठा नहीं था, आपके साथ आपके पास्ट में वो जिया नहीं है। बशीर बद्र ने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है कामयाबी के ऊपर कि यूं ही इतनी आसानी से नहीं मिल गए हैं मुझे ये फूल, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर देखा कहाँ है। तो कई सारे जो कामयाब हुए हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, और आप भी मेहनत करिए, दूसरे के हिसाब से जो है अपना वो कंडीशन मत करिएगा, वो बहुत इलॉजिकल होता है, अपना अपना ओपिनियन फॉलो करिए। अभी चलेगा ये थोड़ा सा माहौल ऐसा है, लहर जैसा है, कोविड का जैसे लहर होता है वैसे लहर है, अभी महीना भर 15 दिन ऐसे धूम मचा के चलेगा, ठीक है। अभी शाम तक या कल तक देखना सारे कोचिंग्स वाले बैनर निकालेंगे ये AIR1 AIR2 AIR3 AIR4 AIR5, व्हाट इफ यू आर AIR187, उसने मेहनत नहीं करी क्या जो अभी 187 के साथ है। भाई कोचिंग का नाम मत लिया करो चैट बॉक्स में, मैं हमेशा XYZ करता हूँ ना, पकड़े जाओगे किसी दिन लोग पकड़ के कूट देंगे। अभी जो आप बोले हो ना यहीं पे 2-3 बंदा बैठा होगा उसी कोचिंग का, वो जाके फिर बोलेगा कि देखो अनअकैडमी में वीरेंद्र सिंह की क्लास में आपकी बुराई हो रही है, मैंने कोई बुराई नहीं करी डायरेक्टली, ठीक है, बट फिर भी वो मेरे को बदनाम करेगा कि देखो ये कर रहा था, कभी भी बंदा नाम ले रहा है जो होता है, लेकिन क्या होता है, ठीक है, सबका अपना फितरत है, अपना बताने का तरीका है, तो इस लहर से थोड़ा बच के रहना, बाकी तो ठीक है, पढ़ लिख लो, अगले एग्जाम की तैयारी करो, और जितना जल्दी इस टेंशन से उबर जाओ उतना बढ़िया। एक तो आज कॉल पे कॉल ही आएंगे, मैसेज तो आई रहे हैं, उससे कॉल आएंगे, कितने सेकंड ना। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बोलना पड़ेगा बहुत सारा, पर ठीक है। अरे ठीक है, जिनका क्रिक हो गया है वो तो व्हाट्सएप ने क्रिक किया था, इन्होंने क्रिक नहीं, इन्होंने क्रैक किया है, और हमें मोटिवेट कर लो भाई, कर लो मोटिवेट, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो कुछ है मतलब नहीं रखता। कॉन्ग्रेट्स दोज़ हू विल क्रैक, गॉड ब्लेस यू, मूव ऑन। सी इतने मोटिवेटेड लोग बैठे पड़े हैं, मोटिवेटेड, कितना वेट बढ़ाओगे, जितना वेट बढ़ाओगे उतना मोटे होगे ना, जितना वेट बढ़ाओ उतना ही मोटी होगे, when your weight is increased you will be motivated हो जाओगे आपके, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मोटिवेट मत होना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है देखो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। आप सोच रहे हो कि इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या, इसे नहीं पता हम कितने दुख दर्द फील कर रहे हैं, इसे क्या पता कि हमें कितना बुरा लग रहा है मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, इसे क्या पता इसको तो इमोशन ही नहीं है, ये तो उधर बैठा हुआ, इसका थोड़ी क्वालिफाई नहीं हुआ, जब इसका नहीं हुआ होता तो इसे पता चलता किसका नहीं हुआ, ठीक है। आपके मन में ऐसा सवाल उठ सकता है कि ये तो हंस रहे हैं, चिलैक्स हैं जिंदगी में, इन्हें हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी जख्मों का, हमारे दुख और दर्द का अंदाजा नहीं है। भाई अंदाजा लगा लूंगा अभी तो क्या कर लोगे ये बताओ, चलो मैं आपके साथ बैठ के रो भी लिया उससे क्या बदल जाएगा जिंदगी में, क्या उखाड़ लोगे अगर मैं बैठ के आपके साथ रो भी लेता हूँ कि चलो आपके दुख में शामिल होकर ले आते हैं बैठते हैं, क्या होगा, कुछ बदल जाएगा, कुछ भी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। आप एक दिन रो लो चाहे 10 दिन रो लो, नहीं बदलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा सर, नो। कभी हमें समझना कि आप ये बहुत इल्यूजन है ब्रो, दुख बांटने से बढ़ता नहीं है, दुख बांटने से टेंशन बढ़ती है, ठीक है ना। रोना वीकनेस नहीं बोल सकता मैं, इट इज नॉट वीकनेस, इट्स जस्ट इमोशंस, बट इमोशंस को निकाल दो, ठीक है ना। इट्स समथिंग दैट एक बहुत जगह पे आपने वो पढ़ा होगा, एक एग्जांपल की अगर एक बॉटल पानी का वेट पूछा जाता है, प्रोफेसर पूछेगा फिर बोलेगा तो उसके लोग बोलेंगे 1 के लिए 1 लीटर के, बोलेगा 1/2 लीटर है, फिर वो बताएगा कि इसको कितनी देर होल्ड करेंगे, जितना होल्ड करेंगे उतना ही इसका जो इंपैक्ट हमारे हाथ पे पड़ेगा, थोड़ी देर में दर्द होगा, फिर हमारा हाथ सुन हो जाएगा, फिर पैरालाइज हो जाएगा। ये आपने स्टोरी पढ़ी कहीं पे, कहीं पे देखिए वीडियोज के फॉर्म में देखा होगा, तो दैट एक्जैक्टली विद द ब्रेन, ठीक है ना। हमारे ब्रेन पे जो रोना धोना या जो स्ट्रेस या जो भी फेलियर का वेट लेके घूमोगे ना, एक दिन लेके घूमोगे चलेगा, 2-3 दिन लोगे तो दिमाग भन्ना जाएगा, और 10-15 दिन लोगे ना तो डिप्रेशन में जाने की कैटेगरी में आ जाओगे।
तो हम कितना जल्दी लेट इट गो करते हैं वही मैटर करता है। इट हर्ट्स, दुखी हैं, लेकिन कब तक? सवाल ये आता है। इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हम, वो होगा, इंसान है हम, फेलियर है भाई, होगा, दर्द थोड़ी बिल्कुल होगा, बहुत बुरा लगता है, नहीं रोक सकते हम खुद को इस फील करने से, सोचने से लगेगा बुरा ऐसा, और खासकर तब बुरा ज्यादा लगता है जब अपने ही दोस्त निकल जाते हैं और अपना नहीं हो पाता, ऐसा लगता है यार, मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है जहां पे हम खुद को एकदम होपलेस की तरह फील कर रहे होते हैं, होपलेस की तरह एकदम, ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि नाउ बहुत मुश्किल लग रहा है, अब शायद मेरे से ना हो पाए। बट डज इट मैटर, मतलब आपका हुआ नहीं या हुआ, मान लेते चलो आपके दोस्त का हो गया, आप किसी ने मेरे को मैसेज किया, मान लेते कि हाँ मेरे जो है 10 दोस्तों का हो गया, 5 दोस्तों का नहीं हुआ, या मेरा नहीं हुआ बाकी लोगों का हो गया, ये हमें सिर्फ इस वक्त लग रहा होता है। आपको लिटरली डेटा बताऊं तो आपके जैसे फीलिंग में 60,000 लोग हैं ना जिन्होंने अपीयर हुआ था, इसमें से हार्डली जो लिस्ट बनी है वो 1,500 के आसपास की बनी है, 1,500 से 2,000 की, मैं काउंट नहीं किया हूं, इतनी लिस्ट बनती है जनरली। अगर देखा जाए तो आपके जैसे फील करने वाले 58,000 लोग आपके जैसे, आप दुनिया में खुद को अकेले आप फील करेंगे कि सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ही 58,000 और लोग हैं जिनका नहीं हुआ है और वो भी आपके जैसा फील कर रहे हैं, और हो सकता है आपका 5 नंबर से रुका हो, किसी किसी का तो 0.5 नंबर से भी रुका होगा, उसको कितना दुख हो रहा होगा यार, एक नेगेटिव क्वेश्चन अगर नहीं करता तो मैं उस पार निकल जाता। और पता है हमारे इंडिया में हमारे लोगों में हमें आंटियों का करेक्टर हमारे अंदर खूब वो करके भर दिया गया, एकदम फूक फूक के आंटियों का करेक्टर, मतलब आई मीन टू से दैट कि जैसे अभी एक न्यूज़ मैंने जो कल बात करी थी जिस न्यूज़ पे कि आपको अपने अवेयरनेस के ऊपर बात मतलब रहना चाहिए, वो जो केस था सद्दा हफ्ता वाला, बट अब हमारे यहाँ ये ना न्यूज़ चैनल्स मीडिया सरकार हो जाने के बाद बवाल काटती है, कोई ना हो इसके लिए कोई अवेयर नहीं, अभी भी देखोगे तो पूरा मीडिया 15-20 दिनों तक उसी केस के ऊपर लगा, पूरा न्यूज़ चैनल पूरा पेपर हर जगह वही एक चीज चलेगी, कोई ये बात नहीं, जो हो गया वो तो बदल नहीं सकते ना भाई, तुम नहीं ला सकते श्रद्धा को, लेकिन न जाने कितनी श्रद्धा बन रही है उनके बारे में उनको अवेयर नहीं किया जा रहा, उनकी सिक्योरिटी पर कोई काम नहीं किया जा रहा, तुम जो हो चुका उसको लेकर रो रहे, उसको उसमें जबरदस्ती का जो है कर, क्योंकि टीआरपी यहां से नहीं आगे बेटा, यहां से कोई नहीं पूछने वाला, टीआरपी यहां से आती है, ये तो मीडिया का केस है, बट हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी होती है, हम हमेशा जो है आगे के बारे में नहीं सोचते, जो हो चुका होता है उसके बारे में बहुत अफसोस कर रहे होते, काश वो कर लिया होता, काश वो उसके साथ नहीं गई होती, काश वो नहीं होती, ये काश से कुछ नहीं बदलने वाला, आपके इस पर्टिकुलर कंडीशंस में आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना, चाहे कितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, यू कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस ऑफ फेलियर, बट ये इतना समझा सकते हो खुद को कि क्या ये ऐसे रहने से ये वर्थफुल है, क्या ये जो मैं इस इमोशंस में हूं क्या एक्चुअली इससे मेरा आगे का फ्यूचर बन जाएगा, जैसे इसके इनके चिल्लाने से आगे ऐसे केसेस होते रहेंगे, न जाने डेली इंडिया में जाने कितने रेप्स होते हैं, कितने मर्डर्स होते हैं, उनके बारे में कोई डेटा नहीं, कोई वो चीज़ें नहीं है, कोई बात नहीं करेगा, एक केस को पकड़ लिया बस, मिल गई टीआरपी, हो गया वायरल, बस चलो उसी पे लगे पड़े रहो, ठीक है, लेकिन उसे फ्यूचर में कुछ नहीं बदलता है, लोग वैसे ही रहते हैं, लोगों की मेंटेलिटी वैसी रहती है, और कल को अगर उसी पर्टिकुलरली जो बंदा है अगर वो कल को जेल में जाकर मस्त बैठ के पूड़िया रोटी, मैंने आपको जेल का किस्सा बताया था, 5-star होटल से कम नहीं है, बैठ के खाना मिलता है मस्त, अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए आराम से, कोई क्राइम करो पहुंचा तो 2.5 साल जेल में, कोई मेहनत नहीं, बैठ के खाना खाओगे, अगर उसकी जिंदगी अगर हो गई तो 4 और क्रिमिनल सोचेंगे क्या दिक्कत है, कुछ किया तो है नहीं, ना तुमने फांसी की सजा दी, ना तुमने उसको जो है मुंबई कह दिया, 2-4 साल में छूट गया, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ का लॉ इतना लोकल है, इतना मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इसी वजह से लोग क्राइम करने से पहले सोचते तक नहीं, अगर यहीं पर उसको सीधे जो है मर्डर उसको फांसी की सजा दे दी जाए, जिसने भी अगर वो दोषी साबित होता है तो कल को कोई डरेगा भी, लेकिन नहीं है, और इससे फ्यूचर बदलेगा, लेकिन नहीं है, अब इसी चीज को अपनी लाइफ से रिलेट करो, आपके अंदर डर नहीं है, है ना, क्योंकि पता है कुछ नहीं होना, बस रोएंगे धोएंगे और फिर अगली बार वही गलती करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ थ्रेटिंग का डर नहीं है ना, माइंड में ये समझ में नहीं आ रहा, आप अभी 10 दिनों तक रोगे, 5 दिनों तक दोस्तों से बातें करके, 5 दिनों तक इंटरव्यू देख के, और 10-15 दिन कई लोग महीना भर जाके सही मूड में आएंगे, और जो सही मूड में आते आते ना जिंदगी जो होते एक महीने पीछे चले जा रहे होते, आप उस इंसान से एक महीना पीछे चले जाओगे जिसने कल से पढ़ाई वापस शुरू कर दी हो, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कई सारे जो है रिपीटर्स है और कई सारे फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि उसने एग्जाम दिया ही नहीं था, तो ये इमोशंस उसके पास आए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो 30-30 दिन तक प्रॉपर तैयारी करेगा, और जितने रिपीटर्स जिन्होंने एग्जाम दिया था वो यहाँ पे रोएंगे बैठ के, जब रोएगा बैठ के तो ये 30 दिन पीछे हो जाएगा ना, फिर अगले एग्जाम में ये आपसे बेटर था तो ये ज्यादा स्किल्ड होगा, क्वालिफाई करने के चांसेस के हायर होंगे, और इसी वजह से हमेशा फ्रेशर्स का सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा होता है रेदर द रिपीटर्स, एक रिपीटर बार बार जो है बार बार क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बार बार क्यों जो है वो नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रेशर्स के पास रोने के लिए कुछ नहीं होता और रिपीटर्स के पास रोने के लिए कुछ सब कुछ होता है, वो हर चीज़ पे लेकर इमोशन से जोड़ता रहेगा, सिंपेथाइज करता रहेगा, जैसे अभी कोई बोला 3 साल से रिपीट कर रहा हूं मैं, कभी ये सोचा नहीं कि 3 साल से क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी क्या गलती हो गई कि 3 साल से रिपीट करना पड़ रहा है, और कई लोगों से जब मैं बोलता हूं तो बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं हमारी स्किल्स, हमने गलती कहां करी, तो भाई कौन बताएगा तुम्हारी गलती, कौन बताएगा, मैं कोई एजुकेटर कभी नहीं बताएगा कोई गलती, ये तुमको बताना पड़ेगा, देखो हम दिमाग की बात कर रहे हैं और उस दिमाग की बात जहां तक अभी तक कोई इंजीनियर या मशीन नहीं बना पाया कि हम सोचते कैसे और कितना सोचते हैं, लेवल ऑफ थिंकिंग किसकी कितनी है, ठीक है ना, तो मैं उस दिमाग देखो शरीर का बाकी हिस्सा की तरह नहीं है कि भैया जाओ ये टेस्ट करा लो पता चल जाए डॉक्टर को कि क्या प्रॉब्लम है, और डॉक्टर को आप बताते हो, डॉक्टर आपके शरीर में ऐसा नहीं, आप जाओ डॉक्टर के पास खड़े हो जाओ ये बोलो मेरे को प्रॉब्लम है, डॉक्टर से पूछो आप बताओ मेरे शरीर में कहां प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर बता सकता है, आप जाओ बस बता दो कि मेरे शरीर में दिक्कत है, बताओ कहां दिक्कत है, डॉक्टर पगला जाएगा, बता नहीं सकता कैसे, या तो टेस्ट कराए पूरी बॉडी का एक एक करके और फिर उसके थ्रू पता करें, लेकिन उस टेस्ट में भी दिमाग का टेस्ट, जैसे कि अगर हम जिस लेवल की बात करें तो थॉट्स के लेवल पे तो वो टेस्ट भी नहीं आते जो करके पता कर सके, तो टीचर कैसे पता करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को, शरीर के अंदर दिख नहीं रहा, दिमाग के अंदर वाला कैसे दिखेगा, और इसी वजह से ये सिर्फ आपको पता होता है कि मेरे पेट में दर्द है, कि मेरे हाथ में दर्द है, कि मेरे यहाँ दर्द है, जब आप वहाँ पे जाओगे उसको एक लोकेशन और एक सिम्टम्स बताते हो तब उसके लिए उपचार बताता है, डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करता है जब आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उसे इन्फॉर्म करते हो तो, एंड ये प्रॉब्लम आपने खुद आइडेंटिफाई किया ना कि मेरे को दर्द कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है, दैट एक्जैक्टली इन अवर लाइफ जब हम फेल होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट एक टीचर जरूर कर सकता है, लेकिन जब टीचर को बताओगे कि वेयर आई वाज रॉन्ग, अभी सब रोएगा
कोई मिस्टेक इंप्रूव नहीं करेगा। कितनी बार चिल्ला चुका हूं मैं कि भाई साहब जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो पहले अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव करो, नहीं आपके 3 साल छोड़ो 10-10 साल सीएसआर तैयारी कर लो, नहीं निकलेगा किसी का भी हो। अगर फेल हो रहे हो कंसिस्टेंट एक बार दो बार तीन बार ना, और इफ यू रियली वांट टू चेंज इन योर रिजल्ट यू हैव टू चेंज योर मिस्टेक्स, इफ यू हैव टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। ऐसी क्या गलती हो रही कि बार बार ऐसा हो रहा है? या तो ये हो सकता है कि आपको आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा लो, लेकिन इसको भी बढ़ाया जाता है भाई, एक्सरसाइज की जाती है, ब्रेन एक्सरसाइजेस, गेम्स खेल के, सुडोकू खेल के, बहुत सारे जो होते हैं वो गेम्स खेलो, चेस खेलो, आईक्यू बढ़ाओ, अपने आप बढ़ेगा आईक्यू। कई सारे गेम्स आते हैं जिनको आप खेलोगे तो आईक्यू बढ़ता है, आईक्यू के गेम्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग ही कमजोर है, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता, मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब अगर जिनको ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूँ माइंड से, मेरे साथ वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो जल्दी समझ लेते हैं, तो आप अपने दिमाग के आईक्यू लेवल पे काम कर सकते हो, उसके लिए कई सारे गेम्स और अलग अलग चीजें सहारा ले सकते हैं। बट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स गाइस, ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे बदलेगा भी नहीं रिजल्ट, और दुखी होकर चीजें करके कुछ नहीं बदलने वाला, मैं आपको बता दूं। आप फॉलो कंट्रोल मत करो, लेकिन जिस दिन आपको रियलाइज होगा कि दिस सैडनेस जो आप फील कर रहे हो, इस सैडनेस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स, नो वन केयर्स, एनओसी, नो वन केयर्स व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका पर्सन, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको फील क्या हो रहा है। और इस फीलिंग को बैठ के आप चाहे जितने बैठे रहो, बार बार जख्म को कुरेद के जख्म ठीक नहीं होते, जस्ट हो गया, एक्सेप्ट इट, यस मैं फेल हो गया, तो क्या अगली बार करेंगे? अगर ये एटीट्यूड है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको ज्यादा बुरा लगता है। हमेशा लोगों को बुरा बस इसी वजह से ज्यादा लगता है जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनसे मिस्टेक हुआ, क्योंकि हमारा नेचर है कि हम जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बचपन से ही नेचर होता है। अगर आपने एक्सेप्ट किया कि यस आई डिड अ मिस्टेक एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड, एक्सेप्ट करो एंड मूव, जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप मूव ऑन कर पाओगे, तभी आप यहां से निकल पाओगे, चलो ठीक है वो भी गलती हो गई, अब चलो आगे बढ़ते हैं, कल से पढ़ाई करते हैं, यहां से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पिछले 2-3 क्लासों से बार बार मैं पिछले कल भी कई सारी चीजें समझाया, आज भी समझा रहा हूं, और आज जरूरी पड़ गया, नहीं तो आज वैसे मूड में नहीं था मैं कुछ बोलने के, लेकिन अब सर बुरा लग रहा है, कैसे बताया मेरे दिल का दर्द हाल, कैसे सुनाए क्या हुआ है मेरा बुरा हाल, बट ठीक है, इनसे मूव ऑन करो, एक्सेप्ट करो वही गलती, अब अगली बार अगर लगना है तो लगना है, छोड़ देना है तो छोड़ देना है, दैट्स इट। ये नहीं होना चाहिए कि आधे मन से लगना है, मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा आधे मन से कि चलो देखेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ थोड़ा थोड़ा कर रहे हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। लगेंगे तो एकदम जी जान लगा के लगेंगे, एकदम दिन रात एक कर देंगे, जो गलती एकदम, अगर यूनिट मान लो 30 नहीं आती तो इस बार ऐसा घोल के पी जाएंगे कि यूनिट 30 हो जाए, जो चीज मेरे को न्यूमेरिकल से डर लगता था इस बार न्यूमेरिकल के फॉर्म में एकदम रट डालेंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके कर पाओगे थोड़ी कि हाँ बस चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलते थे और सब हो भी जाएगा, बदल भी जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट तो आप कभी बदल ही नहीं सकते, फ्यूचर बदलने की जो चाबी होती है वो आपकी इसी प्रेजेंट में होती है, अगर आप अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, तब आपका फ्यूचर अपने आप बदलता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो वही प्रेजेंट आप रोज कर रहे हो, ठीक है ना, जो आपने कल किया वही आज कर रहे हो, तो जैसा कल का रिजल्ट होगा वैसे आज का होगा, फिर जैसा आज कर रहे हो वैसे कल का रिजल्ट होगा, जैसे कल करो वैसे परसों का होगा, जैसे परसों करो उसके आगे, ऐसे ऐसे हमेशा फ्यूचर का रिजल्ट इसके पहले वाले दिन पर डिपेंड करेगा। अब पहला वाला दिन मतलब जो हमारा प्रेजेंट, आज जो करोगे यही आपका कल फ्यूचर है, आज क्या करते हो वो डिसाइड कर लो बस, ऐसा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बाइक करना है, और उन्हें के लिए तो मेरे को बता देना, फिर मैं भेज दूंगा सभी के लिए, ठीक है ना, आंसू तो निकलेंगे नहीं बट फिर भी मैं भेज दूंगा, क्योंकि आंसू तो सूख गए होंगे फिर भी पलकों पे बादल तो छाए होंगे, है ना। सर अच्छा नहीं लग रहा है, अरे इतना देर बोला अभी भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, अब क्या करूं मैं, पाक की तरह बन के दिखाऊं, टेंट अच्छा लग रहा है, मतलब क्या होता है भाई, सर आपके पास ग्लिसरीन है, लैब में मिल जाता है ग्लिसरीन भाई, सर कल, अरे तो बर्थडे फीट गया ब्रो, आज रिजल्ट आया है, ये तो अलग बत्ती की दुखी है, बर्थडे की अगर दुखी बना रहे हो तो मत दुखी हो ब्रो, चिलेक्स सर, विश कर दीजिए, कल था तो ठीक है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई साहब, एंजॉय करिए, ये अलग लेवल के दुखी पे चल रहा है, कल मेरा बर्थडे था तो दुख, अरे सर कीप मोटिवेटिंग, आई कैंट मोटिवेट यू, आई कैंट मोटिवेट यू, आई कैन बी विथ यू, आई कैन टेल यू समथिंग, आई कैन लाइक आई कैन टेल यू स्टोरीज, आई कैन टेल यू द रियल थिंग्स, रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, बट आई कैंट मोटिवेट यू। मैं माचिस हूँ और आप माचिस के पास एक ही प्रॉपर्टी है, खुद मैं आग लगा लिया, अगर आप पत्थर हैं तो आप कभी भी मेरे से जल नहीं सकते, अगर आप लकड़ी हैं तो डेफिनेटली जल जाएंगे, तो वो प्रॉपर्टी आपके अंदर होनी चाहिए, मेरा नेचर सेफ के लिए सेम है, इफ यू आर अ स्टोन मैं कैसे मोटिवेट करूंगा भाई, आपके पास अंदर से वो आग निकलने वाली प्रॉपर्टी होगी तभी तो मैं आपके अंदर से निकाल पाऊंगा, जब नहीं होगा तो मैं चाहे कितना भी जल के राख हो नहीं होने वाला, जिस दिन अंदर से लगे कि नहीं आग है मेरे अंदर तब आना मेरे पास, नहीं तो बैठ के कोने में रोते रहो, 2-4 दिन रो लो फिर लगेगा बहुत समय वेस्ट कर लिया, तब फिर वापस आना, लगेगा लगेगा थोड़ा समय होता है पर लगेगा जी बिल्कुल, जब तक खुद से मोटिवेशन नहीं आता तब तक कोई भी नहीं कर सकता, ठीक, और दुखी की मत फील करो यार क्लास में, इससे ज्यादा कितना समझाऊं मैं, बहुत तो समझा दिया सर, पत्थर से भी आग निकाल सकते हो आप, लेकिन फिर एक पत्थर को पकड़ के दूसरे पत्थर के ऊपर टकराना पड़ेगा तो सर फूटेगा तो मैं नहीं जानता ना, गिव मी सेकंड प्लीज, चलो ठीक है वापस चलो, अरे यार सर रिवीजन बताइए कैसे करें, हमने यूट्यूब पे रिवीजन और रिकॉर्डिंग का भी सेशन लिया था, आप जाके प्लीज उसको देखिए, ठीक है उसको देखिए, आप ही लोगों के लिए आ गया है, और वापस आ जाइए, फोड़ने होने का जो भी मन है जैसे भी मन है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आप लोग
में से ये कर, सबको रोने का मन है, कोई एक भी जो है ये नहीं कर रहा सर फोड़ेगा अपन, ठीक है ना। सब रोने के लिए ग्लिसरीन चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का कोई किसी का एटीट्यूड नहीं है। मैंने एक दिन एक चीज पे बोला था कि आपको एक जवाही जवाब दे ही देने वाला पर्सन होता है तो अक्सर हम परफॉर्म अच्छा करते हैं। बचपन में हमें हर चीज को दिखाना पड़ता था टीचर को कि देखो हमने होमवर्क किया है या नहीं किया, तो हमें एक टेंशन होती थी कि पढ़ना है। अभी आपके पास कोई जवाब दे करने वाला कोई पर्सन नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि आप मुझे बता भी सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप मेरे को आके बताओ कि मेरा ये टारगेट था, मैंने ये फिनिश किया। एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरे को व्हाट्सएप या जिसने मेरे को टेलीग्राम या जिसने क्लास में भी ये बताया कि सर दिस वॉज माई टारगेट, मैंने एक वीक का इतना टारगेट रखा था, इतना मैंने अचीव किया, ये मेरे से मिस्टेक हुई, किसी ने कुछ नहीं बताया। और सबको रिजल्ट चाहिए खाली बैठे बैठे, कमियां जो है सुधारनी नहीं है, सिर्फ बैठ के रोना है। ब्रो कभी नहीं होगा, कितने लोगों ने बताया, बताओ आपने कभी मेरे को जवाब दे दी, एक टारगेट फिक्स किया कि हाँ चलो बताते हैं कि ये चीज हुई है ये। मैंने इस चीज के लिए भी रेडी था कि आप मुझे बता दो, मैं चलो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहूंगा लेकिन जब अवेलेबल रहूंगा उस हिसाब से मैं उसको करूंगा, लेकिन नहीं किया और चाहते हैं। ठीक है, यहां से भी कई लोग तैयारी करेंगे, कई लोग क्वालिफाई करेंगे और कई लोग फिर भी रह जाएंगे, ठीक है। बट मेहनत करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें, ठीक है। रोना धोना बंद, बैच 2.0 स्टार्ट हुआ है, उससे रिविजन कर सकते हैं, वो बैचेस डिटेल्ड कोर्सेज हैं, रिवीजन आप उनसे करिए जिनसे आप पढ़े हुए हैं। फिर भी रह जाएंगे तो इसी से तो डर लगता है। वाह रे मोटिव, वाह रे बेटा वाह, आपके नाम में जो है मीका का नाम मस्त रखा गया, श्रावण में लोग ऐसे वाला ना, वही वाला सही एकदम परफेक्ट रखा गया। ये वही लोग होते हैं जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके स्कूल के एडमिशन की टेंशन लेके बैठे रहते हैं। वो रिजल्ट आने ही मत दो यार, किसके हाथ में है वो बदलना, आप ही के तो हाथ में है। जिस दिन समझ में आएगा कि वो हमेशा एक ध्यान रखना, डिसीजंस कभी सही और गलत नहीं होते, डिसीजन को सही और गलत हम प्रूव करते हैं। अगर अभी चाहोगे तो कोई मेहनत करके उस डिसीजन को सही प्रूव करेगा कि मैं सीएसआईआर क्रैक कर लिया, और कोई नहीं कर पाएगा। और वो इस वजह से क्योंकि एक ऐसे प्रॉब्लम की वजह से वो टेंशन में था जो कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी, जो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। ना होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ना होना तो आपने जबरदस्ती अपने जानबूझ के अपने आप को सिंथेसाइज करने के लिए अपना फ्यूचर प्लान सेट कर रखा है, एक ऑटोमेटिक डर जिसको बोलते हैं, कहीं नहीं लिखा है। इतना फ्यूचर लोग जान लेता है, भाई साहब बाबा बन जाओ, सीएसआईआर मत करो, मेरा 6 महीने बाद होगा कि नहीं होगा इनको पता है, ले हो भी तो सकता है ना, कभी उसके बारे में क्यों नहीं सोचता है, हो भी तो सकता है ना, बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, तो हो भी तो सकता है। डोंट बी नेगेटिव, इफ यू थिंक नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव एंड यू विल गेट नेगेटिव। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे और नेगेटिव जिंदगी में मिलेगा। इफ यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे और पॉजिटिव चीजें होंगी। कम से कम कुछ नहीं तो सोच को बेहतर रखो क्योंकि वो आपके हाथ में है। कम से कम कुछ नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आपके हाथ में होते, परिणाम कभी आपके हाथ में नहीं होता, एफर्ट्स आपके हाथ में होते और एफर्ट्स आपकी सोच से शुरुआत होते हैं, और वो सोच जब तक आपका ऐसा लुल होगा हमेशा लुल तरीके से जिंदगी आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। मैंने ऐसे कई क्वालिफाइड लर्नर्स को देखा है जिन्होंने पार्ट ए से एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया हुआ, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पार्ट ए से कभी छुआ भी नहीं है। देखिए आपके सामने रोशनी बोले मैंने भी नहीं किया फिर भी सी इज क्वालिफाइड, तो ये भी एक लिए जबरदस्ती खुद को लिए पता है सिंपथाइज करते हैं, पार्ट ए का क्या करें, नहीं आता मत करो यार, जो आता है वो करके जाओ अच्छे से, लेकिन नहीं हमें जो नहीं आता उसके लिए करेंगे। भाई साहब आप लोगों का एटीट्यूड एकदम बढ़िया है, यही एटीट्यूड चाहिए होता है सीएसआई क्वालिफाई करने के लिए, एक्जैक्टली यही एटीट्यूड। 30-35 मिनट 40 मिनट हो गए समझाते, लेकिन दुखड़ा जिंदगी का कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है सर, हमें पार्ट सी में 25 कैसे नहीं ढूंढे, अरे वो सब छोड़ दो, पहले पढ़ो, ढूंढना ना ढूंढने का काम तो मैं खुद ही बताता हूँ एग्जामिनेशन टाइम से पहले, खुद ही सेशंस लेता हूँ। आपका काम है अभी सिर्फ अपने आपके स्किल्स पे काम करना, अगर आपका सिर्फ एक फोकस यहाँ से होगा, ओनली वन फोकस, ओनली वन मिशन कि मेरा फोकस सिर्फ इस स्किल को इंप्रूव करना है पीएसएस को, एंड अल्टीमेटली दैट आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी की चीज स्ट्रेटजी जनाल तो बता देगा, आपको बस इस पे फोकस करना। सर गेट के लिए बताइए सर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं ठाकुर, मैं सोले का जो है धर्मेंद्र हूँ, मैं गेट के बारे में नहीं बोल सकता। सर ये दो लाइन जो हमेशा मोटिवेट करती हैं जब भी कुछ अच्छा नहीं लगता, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा जो वो आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छी लाइन है, ठीक है। चलो चलो चलो, टेंशन नहीं लेने का, वापस आ जाने का, हो गया बहुत रो लिया बस, ठीक है अब मत रो यार, नहीं तो मैं रो दूंगा, ठीक है ना। मेरे को बुरा लग रहा है कि यार कैसे बच्चे हैं यार, बता पीएसएस के ऊपर मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, यूट्यूब पर मैं ले रहा हूँ, आप देखिए मेरी यूट्यूब की स्ट्रेटजी सेशंस मिस मत किया करें, देखते रहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बाकी को बोल दो कल बात करेंगे, मैं नहीं चाहता कि मैं ग्लिसरीन यूज़ करूं, ठीक है ना, आप लोग समझिए। वापस आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी पे, है मेरे पास ग्लिसरीन पड़ा हुआ इधर ही बगल में, चाहिए क्या, ये आप ले सकते हैं ना।
कुछ रंग तुम्हारे हैं कुछ हसीन नजारे हमारा होगा, कहते हैं कुछ रंग तुम्हारे हैं कुछ हसीन नजारों का गुलस्ता हमारा होगा। आज वक्त तुम्हारा कल जहां हमारा होगा, और कभी कभी हम हिम्मत से हार तो जाते हैं, कभी कभी हम हिम्मत से हार तो जाते हैं। माना कि आसमां तुम्हारा है, फिर भी क्या करोगे, जमीन तो हमारा होगा। ठीक है, सो हमेशा जो है उसी पे खुश रहो, बाकी टेंशन मत लो। माइक्रोस्कोपी अब शुरू करने जा रहा हूं मैं, अब कोई टेंशन की बातें नहीं करेगा और कोई नेगेटिव नेगेटिव एनर्जीज वाली बातें नहीं करेगा। अगर मन में दुख है तो रहने दो, उसको बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्योंकि सामने वीरेंद्र सिंह अगर दुख वाली बात किया तो वो दुख को कैसे तोड़ देंगे, उसके साथ साथ किडनी भी टूट जाएगी, इसलिए वो मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कल को ये ना बोलते हुए पाए गए अरे हमसे गलती होगी, जवान टूट गई मुंह से निकल गया, माफ कर, ऐसा नहीं। वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाना चाहिए, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए वो कहाँ गायब हो गया, पढ़ाई भी लग जाना चाहिए। और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं एक्सप्रेस करना है, ठीक है। दुख हो गया, ऑयल लेने ना, भेज दीजिएगा उसको। हाँ बिल्कुल वही जो चतुरामा लिंगा वाला, दुख होता सभी के पास है, सभी छुपा के रखते हैं, दिखाता कोई नहीं है, वही वाला हाल, दिखाना नहीं है ना, वो दूसरी बात करता था, मैं यहाँ दुख की बात कर रहा हूँ, दिखाना नहीं होता। वही हालत होगा, इसने अपना दुख इस चमत्कारी पुरुष के हाथों में दे दिया है, देखिए ये किस इसका कैसे इस्तेमाल करता है, तो मैं तो जानता हूं किडनी तोड़ दूंगा। माइक्रोस्कोपी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो है यूज किया जाता है। पढ़ाने जा रहा हूं मैं, कम बैक टू द टॉपिक। तो क्या होता है कि जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, एंड टू ऑब्जर्व दोज ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि कई सारी चीजों को तो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। और किसी किसी लोगों को तो आंखें फाड़ के भी देखते हैं, इतने अच्छे दिख रहे होते हैं वो लोग, बट कई ऐसे होते हैं कि चाहते भी हम उन्हें देख नहीं पाते, वो है माइक्रोब्स। इसके लिए इनको हम जो देखो, पता लोग कहते हैं कि हमें जो है शाहरुख खान पसंद है, ऋतिक रोशन पसंद है ना, कई लोग जो है पता नहीं कोई लड़का लड़ने लड़का अकेडमी पे वीरेंद्र सिंह के नाम से, कि लोग बोलते हैं कि वो भी अच्छा लगता है, जिस दिन थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक होकर आता है, बट मैं ठीक होकर आता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब पसंद नहीं है, पसंद तो बैक्टीरिया है, सोचो हम उनको देखने के लिए, उनको देखने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर डाला है, इतना प्यार है हमें अपने बैक्टीरिया से कि तुम कित कैसे हो तुम, उनको देखने के लिए हमने क्या क्या फंगस बैक्टीरिया छोटे छोटे सेल्स उनसे इतना मोहब्बत होता है कि उनको देखने के लिए हमने इतना महंगा मशीन देखना जरूरी है। क्या कर क्या रहे हो, कैसे मूवमेंट है तुम्हारे अंदर, क्या तुम दूसरे सेल्स से इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या क्या तुम्हारे पास फ्लैजला है, क्या तुम्हारा सेफ रॉड सेफ है, कि कैसे तुम्हारे तुम जो है दिखते कैसे हो, इतना प्यार है माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप इस तरीके से आपने देखा होगा, इस एक साइड व्यू भी कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के लेंसेज होते हैं, किसी एक छोटे ऑर्गेनिजम्स को कितनी गुना जो है मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हम उसको क्या 4x एम्पलीफाई करें, 10x एम्पलीफाई करें, 40x एम्पलीफाई करें, या 100x एम्पलीफाई करें, ये अलग अलग एम्पलीफिकेशन होते हैं। x का मतलब उतने गुना, कोई एक छोटी चीज चार गुना बड़ा मतलब 4 टाइम्स लार्जर दिखाया जा रहा है, 4x का मतलब 4 टाइम्स लार्जर, या तो वो 10 टाइम्स लार्जर होगा, या तो वो 40 टाइम्स लार्जर होगा, या तो वो 100 टाइम्स लार्जर हो, इतनी इतना बड़ा कर दे रहे कि हमें दिख रहा है आसानी से, उसके बारे में ऑब्जर्व कर पा रहे। बेसिक यहाँ पे स्टेजेस होते हैं, यहाँ से लाइट पास होती है कुछ इस तरीके से, एक आपका कंडेंसर लेंस होता है जो लाइट को कंडेंस करके कहाँ पे सैंपल पे, यहाँ पे सैंपल स्टेज है जिसपे सैंपल हम ऐसे लाइट जैसे आप देख पा रहे, दिस इज योर सैंपल स्टेज, देखिए यहाँ से लाइट सोर्स निकला है, ये कंडेंसर लेंस है, दिस इज योर कंडेंसर लेंस, ये लाइट सोर्स से लाइट ऐसे निकलेगा, कंडेंसर लेंस के अंदर से होते हुए जो है ये लाइट देखिए यहाँ पे पड़ रही है सैंपल पे, और ये सैंपल से लाइट इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हम आंखों से या इस लेंस को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, ताकि आप डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सके। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास लाइट सोर्स, एक लाइट सोर्स होगा जो लाइट को जनरेट करेगा, इसके बाद एक है दिस इज अ सैंपल स्टेज, जहाँ पे एक्चुअली सैंपल स्टेज को रखा जाता है, यहाँ पे ये है कंडेंसर लेंस, जो कंडेंस नाम से पता चला कंडेंस करेगा लाइट को इस सैंपल के लिए, कंडेंसर लेंस करता क्या, कंडेंस करता लाइट को, लाइट जितना ज्यादा देख रहा है इसका डायमीटर इतना ज्यादा है, इस लाइट को कंडेंस करता है ताकि सैंपल पे पिन पॉइंट तरीके से पड़े, फोर्स जो है जो एनर्जी है जो ढेर सारी लाइट है ढेर सारी वेवलेंथ की लाइट है वो सभी प्रॉपर्ली जो है सैंपल से इंटरेक्ट करे, बाहर से लॉस ना हो जाए, इसलिए कंडेंस करना जरूरी है, इसलिए ये लाइट एक्चुअली ऐसे एंगल से आता है लाइक दिस कंडेंसर की मदद से। इसके बाद सैंपल स्टेजेस पे हम सैंपल को कट करने के लिए यूज करते हैं ग्लास स्लाइड्स विद कवर स्लिप्स, सो ये जो है आपके लिए ग्लास स्लाइड्स, कभी कभी जो है कवर स्लिप्स का यूज करते हैं, कभी कभी ऑयल इमल्शंस का यूज करते हैं, दे मे बी देयर, एंड इसके बाद दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, या पे ऑब्जेक्टिव लेंस है जहां से लाइट इस तरीके से पास करेगा ऐसे होते हुए वो आगे बढ़ेगा, तो ये है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद ये पहुंचता है ऑक्यूलर लेंस के पास, जहां से आंख लगा के देखते हैं, या उसी ऑक्यूलर लेंस से जो है वो पीसी से जुड़ा रहता है। सो दिस इज यू कैन सी दैट द लाइट सोर्स, या आपके लिए लाइट सोर्स, यहाँ पे जो है वो कंडेंसर, सैंपल स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। इसको अगर हम देखें तो वही चीज यहाँ पे कई सारे नॉब्स होते हैं एडजस्ट करने के लिए, स्पेसिमेन को फोकस करने के नॉब्स है, कंडेंसर को फोकस करने के नॉब्स है, यहाँ पे देखिए ये है फील्ड स्टॉप डायग्राम, डायफ्राम जहाँ से लाइट सोर्स निकला, ठीक है ना, अभी लाइट सोर्स निकलता है तो लाइट सोर्स यहाँ से पास अप करेगा, और पास करने के बाद ये पहुंचेगा कहाँ पे, ये पहुंचेगा आपके पास सैंपल से टकरा के पहुंचा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस से वो पहुंचेगा ऑक्युलर लेंसेज के पास, ऑक्युलर दैट इज आईपीस, जहाँ पे एक्चुअली आंख लगा के आप देख रहे होते हैं, ठीक है ना। सो जो आपके पास इस तरीके से प्रॉपर माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा लैब में परफॉर्म किया होगा, ठीक है, इस तरीके का आपने किया हुआ है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमारे पास कई तरीके के माइक्रोस्कोप हो सकते हैं, इट वुड बी आइदर मोनोक्युलर, बाइनोक्युलर और ट्राइनोक्युलर, जिसमें सिर्फ एक देखने वाला हो आपके लैब में, कोई भी एक हो सकता है, अगर आपने कहीं पे अगर एमएससी जो है लैब में जाकर करी होगी तो, बाकी अगर फर्जी वाला होगा डिग्री तो बात अलग है। तो मोनोक्युलर जो होता है, मोनोक्युलर में मतलब एक ही है आईपीस, वन आईपीस, मोनो का मतलब एक, नॉक्युलर का मतलब आईपीस, वन आईपीस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, याद रहे कि आईपीस में भी ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे जाते हैं स्टेजेस पे यहाँ पे, और उसके साथ एक लेंस ऑक्युलर लेंसेज होते हैं, ऑक्युलर मतलब आईपीस के पास, तो एक्चुअली दो लेंसेज होते हैं और दोनों लेंसेज मिलकर मैग्नीफिकेशन को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बोथ लेंसेज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एज वेल एज ऑक्युलर लेंसेज मिलकर मैग्नीफिकेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं।
एक बार आपने देखा होगा कि बोला जाता है ये माइक्रोस्कोप 100 गुना जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाता है, 1000 गुना दिखा सकता है, वो 1000 गुना अकेले कोई लेंस नहीं करता है, दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। लाइट वाइज की अगर टोटल मैग्नीफिकेशन अभी चर्चा करेंगे, यहां पे टोटल मैग्नीफिकेशन की बात होती है, टोटल का मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन कितना है इनटू ऑक्युलर का कितना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 4x है और ये अगर 10x है तो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा 40x का, ठीक है ना। सो टोटल क्या हो जाएगा, दैट कुड बी योर 40x। ऐसे ही आपके कोई भी वैल्यूज रख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट कुड बी द केस। ये मोनोक्युलर की कहानी है, ऐसे ही बाइनोक्युलर्स की है। बाइनोक्युलर्स और मोनोक्युलर्स में फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो देखने के लिए जो आईपीस है वो दो है, बाई मतलब टू आईपीस। अब यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, मोनोक्युलर में देखने के लिए आपको एक आंख बंद करना पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ता है, बाइनोक्युलर में आप दोनों से प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है ना, आपको आंख मारने की जरूरत नहीं होती है। मोनोक्युलर जो है थोड़ा सा सराटी वो बनाया हुआ किसी ने, क्योंकि उसको बैक्टीरिया से इतना प्यार था कि मैं आंख मार के देखूंगा, एक बंद करके खोल के, और ये कहता नहीं प्रॉपर टकाटक देखेंगे दोनों आंखों से। अब आते हैं इतना ही नहीं, एक आते हैं ट्राइनोक्युलर्स। ट्राइनोक्युलर्स आर एडवांस्ड वन जिसमें कि 3 आईपीस होते हैं, ये एडवांस होते हैं। एडवांस इसलिए एक्चुअली में दो लेंसेज तो देखने के लिए होते हैं जहां पे आप अपने आंखों से देख सकते हैं, जबकि एक लेंस जो होता है ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स और पीसी, कनेक्टेड टू पीसी। तो ये थोड़े से एडवांस वर्जन वाली है कि जब मेरा मन करे तो मैं इसको पीसी पे भी देख लूं और जब मन करे तो मैं आंखों से भी देख लूं, तो ये तीसरी आंख की तरह काम करता है, सबको सब दिख रहा होता है, ठीक है ना। इससे सब पीसी में दिख रहा होता है, आपको जरूरी यहां आंख लगा के देखना आप इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है 3 तरीके के जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है, मोनोक्युलर्स, बाइनोक्युलर्स एंड ट्राइनोक्युलर्स, ठीक है। दीज माइक्रोस्कोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइक्रोस्कोपी में ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कई सारे ऑब्जेक्ट्स को नेकेड आई नहीं देखा जा सकता, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, सो इनके लिए जो है माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप्स कम्स अंडर टू कैटेगरीज, लाइट माइक्रोस्कोप्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद है जब भी हम किसी चीज को विजुलाइज करना चाहते हैं विद लेंसेज हमें उस पर टॉर्च देने की जरूरत है, मतलब फोकस ऑफ लाइट शुड बी देयर। एंड अगर हम नॉर्मल लाइट दे रहे हैं तो वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं। इसमें कई सारे माइक्रोस्कोप्स आप पढ़ते होंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, है ना, ये सारे इस कंडीशन में आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कम्स अंडर वेयर यहाँ पे जो लाइट नहीं दिया जाता, यहाँ पे जैसा नेम से जैसे इलेक्ट्रॉन तो फोकस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये दो ही तरीके के होते हैं, सेम एज वेल एज टेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अ थर्ड कैटेगरी वी कैन इंट्रोड्यूस इन द माइक्रोस्कोपी, दैट इज लेजर माइक्रोस्कोप। लेजर माइक्रोस्कोप जो इसमें मेंशन नहीं है बट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें कि लेजर एज अ लाइट सोर्स यूज किया जाता है। इन दैट वन लेजर यूज्ड एज अ माइक्रोस्कोप, द एग्जांपल ऑफ दिस इज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। इन तीनों माइक्रोस्कोप में जो लाइट के सोर्सेज है वो अलग अलग है, एक में लाइट है तो एक में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक में लेजर है, और लेजर है तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन ये सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू रिप्रेजेंट किया। अब याद है कि जैसा कि मैंने माइक्रोस्कोप्स के ऊपर बात करी, दिस इज योर माइक्रोस्कोप जिसमें से जनरल हमें कई बार इसको दिखा चुका हूं, एक लाइट सोर्स है जहां से लाइट पास करेगा। दिस इज योर कंडेंसर लेंसेस, यहाँ पे कुछ नॉब्स एडजस्ट करने के लिए हाइट, उसके अलावा जो है बैक एंड फोर्थ या आपके लेफ्ट और राइट मूवमेंट, कुछ स्टेजेस को मूव करने के लिए है। यहाँ पे आप स्टेजेस अपना सैंपल रखेंगे, यहाँ से लाइट पास करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए, ये जाएगा आपका बॉडी यहाँ से ऑक्युलर लेंस के पास। दिस इज द मूवमेंट, कुछ इस तरीके से आपका मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोप्स, इनका जो है प्रॉपर्टी या इनका जो फंक्शन है कुछ फिनोमेना पे डिपेंड करता है। सो हाउ वी कैन से दैट कि विच पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप इज गुड एंड विच वन इज नॉट गुड। जैसे कि हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के बोलते हैं इसका रिजोल्यूशन 1500 गुना हो सकता है, जबकि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपके लगभग लगभग 200000 गुना यानी 200 लाख टाइम जो है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे 15,000 है और जब ये लैक्स में कर रहा है, ठीक है। सो आखिर ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन को इतना एम्पलीफाई करवाता है और लाइट को इतना एम्पलीफाई करवा रहा है। और याद है कि एम्पलीफिकेशन इज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी, तो फिर हम कैसे रीड आउट करेंगे कि आखिर क्या प्रॉपर्टी है किसी भी माइक्रोस्कोप्स के अच्छे होने के लिए। तो पहला जो टर्म है या पहली चीज जो है वो है मैग्नीफिकेशन। किसी भी माइक्रोस्कोप में सबसे पहली चीज देखी जाती है कि उसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना है। आफ्टर मैग्नीफिकेशन पावर दिस नेक्स्ट कम्स दैट इज योर डेफिनेशन। आपने कई बार सुना होगा हाई डेफिनेशन वीडियो, HD वीडियो, व्हाट इज HD, हाई डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन वही माइक्रोस्कोप के साथ भी है। एंड आफ्टर डेफिनेशन देयर इज अ रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये हमेशा जैसे कैमरे में भी जो लेंस लगते हैं और जो माइक्रोस्कोप में भी लेंस लगते हैं, उन सभी में जो है रिजोल्यूशन सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि जितना रिजोल्यूशन अच्छा होगा उतना ही वो माइक्रोस्कोप अच्छा होगा। बट रिजोल्यूशन जानने के लिए या रिजोल्यूशन को समझने के लिए आपको कई सारी प्रॉपर्टी पे पढ़ना पड़ेगा। Somebody said pixel. What is pixel? Pixel क्या होता है? तो देखो जनरली कैमरे में बोला जाता है 64 मेगापिक्सल, उसके अलावा जो है 128 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, मेगा मतलब होता है 10^6 पिक्सल क्वालिटी। वाओ, ऐसा क्वालिटी अगर सिर्फ मेगापिक्सल से होती तो DSLR तो बेकार ही है। आप 128 मेगापिक्सल का कैमरा ले लो, उसी से पूरी शादी का फोटो खींच लो, DSLR तो 16 मेगापिक्सल देता है ना भाई, उसके पास बेचारे के पास सिर्फ 16 मेगापिक्सल है। स्मॉलर पार्ट एंड द हायर पार्ट, पिक्सल इज समथिंग बेकू बनाए डी वैल्यू। पिक्सल मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन टू डॉट्स। वाओ, और कोई बताएगा? जूमिंग कैपेसिटी। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन क्या है फिर? चलो थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। याद रहे
पिक्सल जो आपको मोबाइल कंपनीज बताती हैं उनके कैमरे में पिक्सल है, दैट इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी थिंग्स. आपके लिए सबसे बेस्ट किसी भी लेंस के लिए जो होता है वो होता है रिजोल्यूशन. एंड रिजोल्यूशन डजंट मीन पिक्सल. पिक्सल जो है वो थोड़ा सा समाव आपसे मिलता जुलता जरूर लगेगा, ना ही वो जूमिंग कैपेसिटी है ना ही वो जो है रिजोल्यूशन है. पिक्सल क्या कहता है कि जैसे एक समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज 10 मेगापिक्सल एंड दैट लाइक 128 मेगापिक्सल. तो यहां पे अगर एक फिक्स एरिया की बात करी जाए तो इसमें करीब करीब 64 × 10^6 जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट है इमेजेस के वो उतने हैं. जो स्मॉल डॉट्स होते हैं जो मिलकर एक होल इमेज की तरह नजर आते हैं. इमेजेस आर लाइक छोटे छोटे पिक्सल्स ही होते हैं ऐसे ऐसे, है ना. ऐसे ऐसे जब आप देखोगे कभी इमेजेस को तो एक्चुअली में पिक्सल्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं. तो 64 ये बताता है कि इतने छोटे छोटे पिक्सल्स हैं. एंड अगर 128 है तो इसी उतने ही एरिया में 64 की जगह 128 होगा. 10 वाले में सिर्फ 10 वाला, इनमें ज्यादा फर्क नहीं, इसका जस्ट डबल है ये उस तरीके से. इसी वजह से आपके पिक्सल से क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं आता, बस थोड़ा सा फर्क ही आता है जब आप डिजिटल जूम करते हैं तो मोबाइल में थोड़ी सी जूमिंग जो है जब फोटो क्लिक करने के बाद जो आप डिजिटल जूम करते हैं. दो तरीके की जूमिंग होती है, ऑप्टिकल डिजिटल. ऑप्टिकल का मतलब लेंस में जब जूम करते हैं तब, चाहे कितने मेगापिक्सल का कैमरा हो, जब लेंस से जूम करते हैं तो उस तरीके का जूम करता ही नहीं है, वो ब्लर होगा ही होगा. आप कभी देख लो कितना आप 120 मेगापिक्सल का लेके आओ, चाहे वन प्लस लेके आओ, चाहे आप आईफोन लेके आओ, अगर जब फोटो खींचते वक्त आप जूम करोगे क्वालिटी डिग्रेड होगी, बिकॉज रिजोल्यूशन उतना नहीं होता जैसा डीएसएलआर में हो रहा होता है. डीएसएलआर का रिजोल्यूशन काफी अच्छा होता है, आप जूम भी करोगे तो भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट फोन के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि फोन में पिक्सल्स जो है वो टूटते हैं और पिक्सल्स का रिजोल्यूशन से डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता. हमेशा ध्यान रखना पिक्सल सिर्फ आपको फोटो को विजुलाइज करने में थोड़ा सा क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं. कैसे? क्लैरिटी का मतलब सीधी सी बात जरा समझिए, इसको इस तरीके से बता रहा हूं कि जब आपके पास एक एरिया है इसमें मैंने 10 डॉट भरे हैं, कलर भरने के लिए मैंने 10 जगह किया है और एक जगह पे 60, यानी इसमें और अच्छे अच्छे डॉट्स भरे, तो विजुलाइजेशन में ज्यादा कलरफुल लगेगा, ज्यादा जो है खिला खिला लगेगा ये इमेज, क्योंकि इसमें वही पिक्सल्स ज्यादा है. ग्रीन कलर के 60 पिक्सल्स और इसमें 64 है, उसमें से 10 है, तो कम खिलाना जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी इमेज जो कलर्स हैं जो चीजें वो निकलेगी. ये पिक्सल की कहानी. दैट्स इट. जूम करना, रिजोल्यूशन, इसका कोई लेना देना नहीं है. क्लैरिटी बोल सकते थोड़े बहुत शब्दों में जो डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है. आप पिक्सल को अगर डिफाइन करोगे तो इट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन, एचडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बट नॉट रिलेटेड विद द रिजोल्यूशन. हम बात करते हैं ये सब चीजों का मतलब क्या. मैग्निफिकेशन पावर का मतलब होता है जूम. ये जूम कितना आप जूम कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई कितना कर सकते हैं. डेफिनेशन का मतलब है क्लैरिटी, बाउंड्री. दो पर्टिकुलर चीजें जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो कितना क्लियरली विजिबल है, बाउंड्री कितना क्लियरली है, दैट इज डेफिनेशन. एंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पिक्सल, नंबर ऑफ डॉट्स जिसको हम बोलते हैं, या पिक्सल्स, ये भी आपके क्लैरिटी से ही रिलेटेड होता है. क्लियर पिक्चर्स, कलर्स अच्छे आएंगे, क्लैरिटी अच्छी मिलेगी, पिक्सल्स आर रिलेटेड टू देयर डेफिनेशन. इसलिए आपको कभी भी पिक्सल में कोई भी कंपनी कभी नहीं बोलेगी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, हमेशा बोलेगी एचक्यू पिक्चर क्वालिटी, एचडी पिक्चर क्वालिटी. कभी भी देखा ना जो प्रमोट करता है तो क्यों नहीं बोलता कि हाई रिजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि पिक्सल से आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, बट रिजोल्यूशन इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिजोल्यूशन क्या है, थोड़ा सब्र करिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए, किसी भी लेंस के लिए. लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन इन डिटेल. ब्रेक तो आपको चाहिए नहीं क्योंकि 40 मिनट तो आप ऐसे खा गए मेरा, ठीक है ना. मतलब ठीक है, कुंभकर्ण खाता था 6 महीने और 6 महीने सोता था, आप लोग एक घंटा खा गए और 1 घंटा पढ़ रहे हैं. कुछ लोग बोलेंगे नो ब्रेक सर, लेकिन मैं तो 1 घंटा बोल ही रहा था ना उस टाइम पे भी, मुझको तो चाहिए. गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ मिनट. मेरा डिस्कनेक्टेड सो रहा है, क्या हो गया भाई? सर कैसे दिख रहे हैं? ठीक है, कभी कभी इंसान खराब भी दिखता है, इसका क्या मतलब, मजाक उड़ाओगे मेरा? मैग्नीफिकेशन की ऊपर बात करते हैं. एंड मैग्नीफिकेशन इज व्हाट, दैट इज ऑप्टिकल जूम. जैसे हम कभी आप कैमरा खोलेंगे मोबाइल का, तो आप मोबाइल खोल, कैमरा खोल के जब आप जूम कर रहे होते, दैट इज ऑप्टिकल, आप लेंस को जूम कर रहे हैं, और जब आप फोटो को जूम करते हैं, दैट इज डिजिटल जूम. तो ये मैग्नीफिकेशन इज समथिंग दैट इज ऑप्टिकल जूम. आप ऑप्टिकल जूम कर रहे हैं किसी चीज को विद लेंस, आप लेंस के थ्रू जो उसको मैग्नीफाई करना चाह रहे हैं, इमेजेस को नहीं मैग्नीफाई कर रहे हैं, या आप लेंस को मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेंस के थ्रू किसी चीज को मैग्नीफाई करना चाह रहे हैं. 1 सेकंड प्लीज. ऑप्टिकल जूम एट इनलार्जिंग समथिंग, है ना. अभी कई लोग इनलार्ज करेंगे, ये मेरा बच्चा है, ठीक है ना. इनलार्जिंग समथिंग, आप ऑप्टिकल जूम करेंगे किसी इमेजेस को, जैसे कि लेंस के साथ इनलार्ज करें, अपीयरेंस में, फिजिकल साइज में नहीं. दिस इनलार्जमेंट इज क्वांटिफाइड बाय द कैलकुलेटेड नंबर, आल्सो कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हमेशा जो है मिक्सचर होता है आपके आईपीस का और ऑब्जेक्टिव लेंसेज का. आईपीस का जो लेंस होता है जिसको हम ऑक्युलर लेंसेज बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं दोनों के मैग्निफिकेशन पावर का मल्टीप्लीकेशन मैग्निफिकेशन होता है. सो आपके पास ऑक्युलर लेंसेज है, आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये दोनों लेंसेज जो है, ये दोनों लेंसेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल और फाइनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा. लेट्स सपोज अगर आईपीस का जो पावर है वो 10x है, हम जो आईपीस से देख रहे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर है वो 100x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, दैट्स विल बी 10 × 100x. 10 जो है वो ऑक्युलर का और 100 जो है वो ऑब्जेक्टिव का. तो ऑक्युलर इनटू ऑब्जेक्टिव दैट विल बी 100 × 100,000. अरे भाई कितने लोग क्वालिफाई कर गए यार, फोन पे फोन मैसेज पे मैसेज आ रहा है, अब उठाऊंगा नहीं मैं, बाद में आते हैं. तो
साइलेंट ही कर देता हूं मैं, चलता रहेगा। ठीक है, चलो फोन साइलेंट, अब आराम से फोन पड़ा रहेगा, बार बार टेनेंट टेनेंट चलता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब मैं थोड़ा सा, आपका नंबर कैसे मिला लोगों को, चाहने वाले क्या क्या नहीं ढूंढ लेते? मैग्निफिकेशन में आपको क्या बताया गया, मैग्निफिकेशन जो है वो आपके आई ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल जूम है जो आपको बताया गया। एक छोटा सा सैंपल आपको वर्चुअल इमेजेस के तौर पे काफी बड़ा नजर आएगा, लाइक दिस वन, बहुत छोटू सा है, बट वर्चुअल इमेजेस इज लाइक दिस वन, कैसे पता कितना इतना बड़ा दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलरली। और अगर आईपीस का जो है 10x है, ऑब्जेक्टिव का 4x है, तो व्हाट शुड बी टोटल मैग्नीफिकेशन 40x। इस तरीके से केसेस जो है वो चलता है। दिस इज वन मैग्नीफिकेशन व्हिच इज नोन एज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव आपके लीनियर मैग्नीफिकेशन के साथ साथ एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी होते हैं। व्हाट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन, क्या होता है, एक तो लीनियर मैग्नीफिकेशन हो रहा है और एक एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है। व्हाट इज इट, जरा समझिए, जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उसका जो एंगल पड़ रहा होता है यहाँ पे आईपीस पे, यहाँ हम जब देख रहे होते तो वो बहुत कम है, और जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल इधर भी बनेगा। इसकी वजह से ये एंगल नैरो होता है, और नैरो होने की वजह से जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है, और कोई इमेज जब नियर होता है, यहाँ देखिए, बिकॉज हियर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो जब ये बीटा यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहाँ पे बीटा ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये इमेज जो है उतना ही लार्जर बनेगा। सो दैट्स व्हाई जब हम उसको करीब रखते हैं तो उसका इमेज ज्यादा बड़ा दिखता है। अब ये नॉर्मल सी बात है ना, कोई दूर होता है तो छोटा दिखाई दे रहा होता है, जैसे 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 करीब आता है वो बड़ा दिखाई देता है। क्यों, कब तक, एक 25 सेंटीमीटर जो हमारी आंखों के दूर होता है, 15-10-25 वो ऑप्टिमम होता है, इसके बाद फिर ब्लड होने लगता है, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी आंखों का 25 सेंटीमीटर है, तो एंड दैट इज फॉर आवर आईज, बट लेंसेज के लिए तो हम अलग अलग सेट कर सकते हैं, एंड उसी के बेसिस पे जो है जितना करीब होगा उतना बेटर होगा, और जितना दूर चला जाएगा उतना ही जो है वो आपका स्मॉलर इमेज बनेगा। दैट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन की प्रोसेस की वजह से हो रहा है, कि जितना एंगल छोटा होगा, जितना दूर होगा उतना ही एंगल छोटा होगा, जब एंगल स्मॉल होगा तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज स्मॉल बनेगा, और अगर एंगल बड़ा होगा, नियर है, तो एंगल जो है वो लार्ज हुआ, और अगर एंगल लार्ज हुआ तो इमेज लार्ज बनेगा। ठीक है, 25, 15, 10, 25 ये बोला था मैं, 15 मतलब स्केल का सेंटीमीटर होता है, 15 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर, 15, 25 इज अवर दिस वन। किसी किसी में आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है तो उनको जो है दृष्टि दोष हो जाता है, मायोपिया, सुना होगा आपने, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, चश्मा लगाते हैं लोग, किसी को दूर की चीजें ज्यादा नजर आती है, नजदीक नहीं आती, किसी को नजदीक अच्छा दिखता, दूर का नहीं दिखता, तो उस हिसाब से जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट दैट इज द केस, वो तो हम चश्मे के साथ सही कर लेते हैं। फिलहाल के लिए आपका जो है ये पर्टिकुलर केस समझ में आएगा, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बाद हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के लिए, डेफिनेशन एंड पिक्सल, बात देखिए, द सेकंड वन इज योर डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसका मतलब है टू डिफाइन, व्हाट, टू डिफाइन द बाउंड्री ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट और पिक्सल। जैसे जरा समझिए कि डेफिनेशन क्या कह रहा है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्लास लाइट था, इस कवर स्लिप, यहाँ पे हमने सैंपल्स रखे, छोटे 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 बैक्टीरिया थे सैंपल्स, ठीक है, अब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इट इज गोइंग टू इनलार्ज, इनलार्ज होगा, दिस इज टू वे टू इनलार्ज दिस पर्टिकुलर वन। अब एक हाई डेफिनेशन और एक लो डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कि अब इसी चीज को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, जबकि हियर इन दिस केसेस लाइक दिस वन। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो इस केस में जो सेल्स के बीच की बाउंड्री है, दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल। डिफाइन द बाउंड्री, यहाँ पे क्या है, जो सेल्स, अगर हम सेल्स को विजुलाइज कर रहे थे तो बाउंड्री जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, बाउंड्री इज नॉट क्लियरली विजिबल। अब ये क्लियरली विजिबल नहीं है बाउंड्री, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन डेफिनेट, लो डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन कम है। तो डेफिनेशन इज समथिंग व्हिच टेल्स अस अबाउट द क्लैरिटी, क्लैरिटी की बात करें, जैसे कोई चीज क्लैरिटी के साथ दिखाई है, हाई डेफिनेशन के वीडियोस है, आप कभी भी यूट्यूब पे जाते हैं वहां पे कई अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे आप 240 पिक्सल पे जाते हैं ना, ये तो सेलेक्ट करते हैं पिक्सल, तो डेफिनेशन ही तो है पिक्सल, क्लैरिटी पिक्सल एक ही बात है, तो आपके पास 144 लोवेस्ट होता है, फिर 240, फिर 360, फिर 480 है ना, फिर उसके बाद अलग अलग पिक्सल होते हैं, फिर 720, फिर 1080, फिर उसके बाद 144, फिर उसके बाद 4K, 8K ऐसे चलता रहता है। तो दिस इज योर 2K, इसका डबल होगा तो 4K, फिर 8K ऐसे वीडियो चलेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं अगर जब बात करूं तो यहाँ पे ये पिक्सल्स ही होते हैं, जितना ज्यादा पिक्सल्स बढ़ेगा मतलब उतना ज्यादा जो है क्लैरिटी हमें मिलेगी, उतना ज्यादा बाउंड्री से पिक्सल्स मिलेगा। 240 में आपको वीडियो तो दिखता है लेकिन क्लैरिटी नहीं दिखती प्रॉपर, कि हाँ ये इमेजेस है, ये इमेजेस है, ये इमेजेस है, ये नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे 720 जाते हैं आपको और अच्छा दिखने लगता है, आपको इतना सुटेबल है 720 गुड, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो डेटा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन और अच्छा जाते हैं तो आप 4K या 8K पे जाते हैं, 8K इज लाइक सुपर एचडी होता है, अल्ट्रा एचडी, 4K और 8K जो होते हैं वो आपके अल्ट्रा एचडी में आते हैं, आजकल टीवी नहीं अल्ट्रा एचडी टीवी, 4K वीडियोस, 8K वीडियोस, 4K बहुत ही मतलब साफ इमेजेस होते हैं, एकदम क्लैरिटी दिखता है पूरा पूरा, कलर अच्छे से दिखता है, क्लैरिटी दिखता है, तो ये चीज आपको किसमें मिली है, डेफिनेशन, ठीक है ना, यहां पे बाउंड्री क्लियरली विजिबल नहीं था, डिटेल्स नहीं था, यस इट डिटरमाइंस डिटेल्स, यू कैन से दैट, डिटेल्स को बताता है कि आखिर कितना क्लैरिटी, डिटेल्स का मतलब, क्लैरिटी का मतलब कि कितने डिटेलिंग में जा पा रहे हैं आप, इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि शर्ट कौन सी कंपनी का पहना हुआ है, अगर लिखा भी होगा तो भी, लेकिन जब 8K और 4K में देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये तो लुई फिलिप का है ना, तो आप बोल सकते हैं, जूता कौन सा पहना, हो सकता है यहाँ पे एडिडास भी पहना है 240 पे, कोई नहीं आपको लगेगा एडिडास लिखा हुआ है, लेकिन 8K में देखेंगे तो चला ये तो एडिडास है, एडिडास नहीं है, तो लोकल है, ये सब क्लैरिटी जो है वो आपको इसमें दिखती है, एचडी में, डेफिनेशन का मतलब ये होता है।
ठीक है। तो अगर बाउंड्री सेपरेशन, अगर मैं इमेजेस की बात करूं, सेल्स की बात करूं, वो तो बात रही है जनरल नॉर्मल शब्दों में, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके सेल्स और लाइफ साइंस में कैसे हम एचपी या डेफिनेशन को बात करें, तो बाउंड्री होती है सेल्स की, टिश्यूज की, वो बाउंड्री कितनी क्लियरली विजिबल, अगर बाउंड्री जो है वो क्लियरली विजिबल है तो वो एचडी हाई डेफिनेशन है। आगे बढ़े, दैट द थर्ड पॉइंट, मैग्नीफिकेशन ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिना मैग्नीफिकेशन से काम नहीं बनेगा, लेकिन मैग्नीफिकेशन इज नॉट द मोस्ट एसेंशियल वन, मैग्नीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिजोल्यूशन। चलिए बात करते हैं रिजोल्यूशन पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर लेंसेज, ठीक है। इसी वजह से आपके 16 मेगापिक्सल का कैमरा डीएसएलआर में मोबाइल फोन से हमेशा अच्छी फोटो खींच के देगा, हमेशा, उसमें पिक्सल एचडी की बात नहीं होती, उसमें रिजोल्यूशन भी इमेजेस के लिए मैटर करता है, हम सिर्फ एचडी पिक्चर बना सकते हैं, रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी वजह से मैं आपको एक पर्सनल सजेशन भी दे सकता हूँ कि जिस मोबाइल फोन के कैमरे जो होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, आजकल देखते हो कि फोन हमेशा पतले करने के चक्कर में कैमरा बाहर निकल जाता है, लेकिन जिसका जितना ज्यादा बाहर निकल रहा था उसका रिजोल्यूशन उतना प्रॉपर होता है, वो क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट, रिजोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल रेडिएटिंग पॉइंट्स, कहने का ये मतलब है कि दो सबसे छोटी से छोटे पॉइंट कहां तक दिखा सकता है, रिजोल्यूशन का मतलब कितने डेप्थ तक जा सकता है वो, कितने, जैसे कि हमारे हो सकते हैं कि अगर दो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 नैनोमीटर है, ये अगर इनको भी सेपरेट कर दे, ये देखो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, अगर ये इनके बीच के डिस्टेंस को बता पा रहा है, इनको बता पा रहा है कि ये दो हैं, तो ये बहुत अच्छा है, अगर हो सकता है कि ब्लेस रिजल्ट होगा तो इनको एक ही तरीके से कंसीडर करेगा, ब्लेस रिजल्ट बोलेगा तो ये तो एक ही है, लेकिन मोर रिजल्ट बोलेगा नहीं ये दो है। सो रिजोल्यूशन का मतलब डेप्थ जो प्रोवाइड होती है उसकी बात होती है, इमेजेस में जब आप देखते हैं डीएसएलआर से खींचे हुए पिक्चर्स को डेप्थ में खोलते चले जाइए, चाहे ऑप्टिकल जूम करिए उस लेंस को, चाहे डिजिटल जूम करिए, आपको कोई भी ब्लर या कभी भी फोटो फटती नहीं है, बिकॉज उसमें इतना डेप्थ होता है कि छोटे से छोटे हिस्से को भी क्लैरिटी के साथ विजुलाइज करता है। तो टू डिस्टिंग्विशेबल रेडिएटिंग पॉइंट्स को कितने मिनिमम डिस्टेंस तक जा सकता है, मिनिमम डिस्टेंस, जितने छोटे से छोटे डिस्टेंस पे जाएगा उतना ही रिजोल्यूशन अच्छा होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो रिजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना मिनिमम डिस्टेंस उतना अच्छा रिजल्ट इमेजेस, क्योंकि जब हम उसको जूम करेंगे, जब हम उसको देखेंगे तो कितने छोटे डिस्टेंस तक वो पहुंच सकता है। और चर्चा करते हैं इस पे, द माइक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन को बेसिकली बताते हैं, एंड माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, दो सेपरेट पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है जो माइक्रोस्कोप उसको डिस्टिंग्विश कर सके कि वो दो अलग अलग एंटिटीज है, मतलब डिस्टिंक्ट एंटिटीज है। If the two points are closer together, then your resolution then they will appear ill-defined and the positions will be inexact. अगर दो particular points साथ में हैं और अगर आपका microscope उनको define नहीं कर पा रहा, ill-defined कर रहा, ill-defined का मतलब poor define कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो position है वो exact नहीं है। किसी भी microscope को बोलते हैं वो higher magnification है, but अगर lenses poor resolution को बोल रहा है तो वो microscope जो है image quality को degrade कर देगा। अब चाहे कितना भी magnification कर ले, अगर उसका resolution नहीं तो image quality is going to degrade it. And same with the pixel as well, ठीक है ना? So resolution is one of the most important thing. Now how resolution works? इसके लिए एक Abbe equation आता है. What is Abbe's equation? Abbe's equation ये बोलते हैं कि the resolving power is wavelength of the light used divided by 2 into the numerical apertures. इसको और थोड़ा सा इन्होंने बताया कि d that is a limit of resolution. याद रखना, there is a one term, resolution and the limit of resolution. कई लोग इनमें समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, लेकिन कई सारे बुक्स में, कई सारे जगहों पे लोग रिजोल्यूशन को ही d रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज नॉट d. कई जगहों पे अभी भी इवन CSIR क्वेश्चन पूछते वक्त भी रिजोल्यूशन को d बोल देता है, बट रिजोल्यूशन इज नॉट d. एक्चुअली में ये एक इनकरेक्ट इन्फो है, प्रॉपर इन्फो नहीं है, है ना? इनकरेक्ट इन्फो है. करेक्ट क्या है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज d. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी. अब ये डी क्या है? अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स. वो छोटा से छोटा डिस्टेंस क्या है जो दो डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स के बीच में दिख रहा है हमें, है ना? जैसे कि 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, कितने छोटे लेवल तक जा सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. अब हमेशा याद रखें, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर और रिजॉल्विंग पावर. कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, याद है, ये दोनों वैल्यू कम होगी जितनी उतना ही हमारे लिए अच्छा है. मैंने बोला वैसे तो रिजोल्यूशन डी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग बोल देता है, लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं बोलता, इसलिए डिफॉल्ट केस, मतलब ओरिजिनल करेक्ट इन्फो यही है, बट अगर कुछ ना दिया हो तो आप ये भी कर सकते हैं, एज्यूम करेक्ट इफ गिवन. अगर आपको दिया हो रिजोल्यूशन ही डी, तो मान के चलो भाई कि हाँ ठीक है, रिजोल्यूशन को डी मान लिया. अब जब डी मान लिया, तो डी जबकि एक्चुअल लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, तो जब ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, इसका मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब जितना ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उतना ही अच्छा माइक्रोस्कोप, उतना ही अच्छा लेंस. तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं देयर इज वन टर्म व्हिच इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर. ये आपका एक्चुअल में टर्म रिजॉल्विंग पावर, कितनी उसकी पावर, कितना अच्छा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d. रिजॉल्विंग पावर हमेशा जो है 1/d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना छोटा डिस्टेंस उतना ही पावर अच्छा हो सकता है. देखो, जैसे समझने की कोशिश करो, अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलूं कि 1 मिलीमीटर है और एक है 1 माइक्रोमीटर और एक है 1 नैनोमीटर, ये सभी के सभी d की वैल्यूज है, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. एक सिर्फ मिनिमम उस छोटे से छोटे डिस्टेंस पे जा सकता है जो 1 मिलीमीटर है, एक 1 माइक्रोमीटर के पॉइंट्स को भी क्लैरिटी से हमें दिखा सकता है, एक है 1 नैनोमीटर तक लेवल पे भी हमें जो है सेपरेशन दे सकता है. तो इनमें से सबसे ज्यादा पावर ही तो है, ये सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा और सबसे लोवेस्ट है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ये इंटरमीडिएट है, ठीक है. सो हाउ द रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. माइक्रोस्कोपी से इसी टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है. याद रहे कि हमेशा जो पावर है, रिजॉल्विंग पावर, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज पी, पी का मतलब पावर, हमेशा पी जो है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ हाउ डी कैन बी कैलकुलेटेड? कई जगह पे इसको कैप्स डी लिखते हैं, कई जगह पे स्मॉल डी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है. डी इज रिप्रेजेंटेड एज 0.61, आई रिपीट, इट इज 0.61 डिवाइडेड बाय एनपी, 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय एन ए,
इसको और ज्यादा मैं करूं तो इट इज 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एन साइन थीटा. दिस इज द केस. अभी साइन थीटा क्या है? साइन थीटा होता है अल्फा बाय 2, सॉरी साइन अल्फा होगा, नॉट थीटा, साइन अल्फा. अल्फा जो होता है वो थीटा बाय 2 होता है. क्या है हम अभी बात करेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया था अल्फा की वैल्यू, याद करिए यहां पे दिस वन, ये जो एंगुलर अपर्चर है यही अल्फा है, एंगुलर अपर्चर. ठीक है, विल टॉक अबाउट इट. तो इस चीज यही फॉर्मूला आपको पूरा काम बताने वाला है. इस फॉर्मूले में याद रखिए कि डी जो है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, एन ए इज न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर. हियर स्मॉल एन, एन इज नोन एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड अल्फा इज अ एंगुलर अपर्चर. ये और साइन तो आप जानते हैं, साइन कॉस टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो वही है. ये फॉर्मूला है 0.6 लैम्डा बाय एन ए और 0.6 लैम्डा बाय 2 एन साइन अल्फा. अब इन कंडीशंस को जरा समझने की कोशिश करिए कि इसी चीज में हमने क्या बताया कि आपके पास ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में हमने ये बोला कि जब डी ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा और डी कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है. तो लेट्स टॉक अबाउट हियर, मैं इसी को लेकर थोड़ा सा आपको यहां पे चर्चा करने की कोशिश करता हूं. जरा समझिए, थोड़ा सा रिलेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं. एज यू कैन सी दैट, इसको देखने के बजाय पहले ये देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूं, डी को अगर इनवर्स कर दूं 1 / डी कर दूं, ठीक है ना, डी को इनवर्स कर दूं 1 / डी कर दूं तो ये इक्वेशन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर और नीचे की तरफ हो जाएगा 0.61 * लैम्डा. यानी अगर मैं इसको इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हिसाब से समझने की ना कोशिश करूं, बताऊं तो 1 / डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. 1 / डी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जबकि अगर डी के पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो डी के लिए जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 / एन ए. डी ऐसे चल रहा है, 1 / डी ऐसे चल रहा है, उल्टा. सिमिलरली 1 / डी को और अगर इस इक्वेशन से एम्पलीफाई किया जाए तो ये भी पलटेगा, ये भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा 2 एन साइन अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा वाला तो रिलेशन देख चुके, इनवर्स रिलेशन था, लेकिन ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके साइन अल्फा के भी. ठीक है ना, ये कहानी समझ में आ रही? चलिए ग्रेट. और हमें पता है कि 1 / डी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? रिजॉल्विंग पावर के, रिजॉल्विंग पावर. और अल्टीमेटली हमें किसी भी माइक्रोस्कोप को बेटर बनाने के लिए रिजॉल्विंग पावर को खराब करना है कि अच्छा करना है? अच्छा करना है, यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कम करना है. ठीक है ना, एक बेटर माइक्रोस्कोप में, एक बेटर माइक्रोस्कोप तब आपको मिलेगा, एक बेटर माइक्रोस्कोप तब आपको मिलेगा व्हेन व्हेन द रिजॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज करे, और 1 / डी यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो वो डिक्रीज करे, तभी तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगा. रिजॉल्विंग पावर शुड इंक्रीज एंड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन शुड डिक्रीज. अब इसी पर्सपेक्टिव से जरा यहां देखो, ये डी तब डिक्रीज करेगा जब आपका लैम्डा डिक्रीज करे. इस इक्वेशन से देखो ये कब डिक्रीज करेगा, जब लैम्डा जो है डिक्रीज करे, तो यानी कि बेटर माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर बढ़े तब बढ़ेगा जब डी घटेगा, डी तब घटेगा जब लैम्डा घटेगा. सी, और या तो एन ए बढ़े, या तो जो है लैम्डा डिक्रीज करे, या तो न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़े. न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़े मतलब आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़े. ये कहानी समझ में आ रही है क्या, किस तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूं? रिजॉल्विंग पावर से न्यूमेरिकल अपर्चर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देखिए, जब जब न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ रहा है तब तक रिजॉल्विंग पावर बढ़ रहा है, जब जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तब तक रिजॉल्विंग पावर बढ़ रहा है. बेटर माइक्रोस्कोप की कहानी आपको समझ में आ रही है क्या? ये बेटर माइक्रोस्कोप में जो है आप ये कंडीशन देखते हुए पाए जा रहे हैं. अब मैं एक ही चीज यही बोल सकता हूं कि रिजॉल्विंग पावर इफ, ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 / डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन. अब इस केस में जरा समझिए कि यहां पे आपके लिए पूरी कहानी है. लैम्डा और रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है. ये रिलेशन आप ध्यान रखें. तो मैं यहां पे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका एन ए जो है वो बढ़ा, अगर न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो घटेगा और रिजॉल्विंग पावर जो है वो बढ़ेगा. अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन घटेगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा. अगर आपका लैम्डा जो है वो बढ़ेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ेगा और रिजॉल्विंग पावर जो है वो घटेगा. ठीक है, इसी चीज को हम रिवर्स भी मान सकते हैं. रिवर्स बोले तो कैसे? अभी सब हमने फैक्टर्स को बढ़ाया, अब हम सब फैक्टर्स को जो है वो घटा दे रहा है. ठीक है, अब जरा देखिए कि अगर एन ए घटेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजॉल्विंग पावर घटेगा. अगर स्मॉल एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजॉल्विंग पावर घटेगा. लैम्डा बट लैम्डा घटा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन घटा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ा. ये कहानी भी समझ में आई क्या? इस कहानी को देखते हुए क्या तात्पर्य निकलता है कि अगर लैम्डा मिनिमम हो तो आपको बेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा, एन ए मैक्सिमम हो तो बेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो तो बेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा. इस पूरे पूरे केस को देखते हुए अगर मैं बेस्ट रिजोल्यूशन की बात करूं तो व्हेन विल यू गेट द बेस्ट रिजोल्यूशंस, आपके पास बेस्ट रिजोल्यूशंस कंडीशंस कब बनेगी? जब न्यूमेरिकल अपर्चर मैक्सिमम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम हो. लाइक वी कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं. तो मैं एक बार यहां पे आपको बोल दूं कि व्हेन एवर वी हैव द बेस्ट रिजॉल्विंग पावर के लिए लैम्डा शुड बी मिनिमम, न्यूमेरिकल अपर्चर शुड बी मैक्सिमम एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शुड बी मैक्सिमम, राइट? एंड व्हाट्स अबाउट साइन अल्फा? साइन अल्फा शुड बी 1, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है साइन अल्फा की वो 1 हो सकती है. इससे ज्यादा साइन अल्फा की वैल्यू होती है मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, और ये तब होती है जब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो. अल्फा इज व्हाट? 90 डिग्री. एंड अल्फा होता क्या है? अल्फा इज थीटा बाय 2. ये थीटा क्या है अभी आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, डोंट वरी. तो थीटा बाय 2 होता है, तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री. थीटा जब 180 डिग्री होगा
तब आपका अल्फा जो है वो आपका 90 डिग्री होगा और फिर जो है वो 90 डिग्री से साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बट दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों अभी बताता हूं मैं, फिलहाल अभी यहां पे ये देख लीजिए, इसके बाद प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो अगर इसमें देखा तो जैसे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया कि अगर मैं बोलूं मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शंस सी, ऑप्शंस डी। इसमें जो है लैम्डा की वैल्यू इधर लिखी हुई है 455 नैनोमीटर, एक लैम्डा की वैल्यू है 405 नैनोमीटर, एक लैम्डा की वैल्यू 475 नैनोमीटर और एक लैम्डा की वैल्यू है 435 नैनोमीटर। अब इनमें से अगर सिर्फ लैम्डा के बेसिस पे देखोगे तो बेस्ट रिजोल्यूशन किसमें मिलेगा, बेस्ट रिजॉल्विंग पावर किसमें मिलेगा, बी में, है ना। अब थोड़ा सा क्रिटिकल करने के लिए इस क्वेश्चन में, अब देखो यहां पे ये है, अब इसको कर देता हूं इसी, इसको भी 405, इसको भी। अब इसमें दो जगह पे मिलेगा बेस्ट, एक बी में और एक डी में। इसको इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, एनए न्यूमेरिकल अपर्चर जो है यहां पे रखा गया 1.51, न्यूमेरिकल अपर्चर रखा गया 1.51, इसके लिए न्यूमेरिकल अपर्चर रखा गया 1.33 और इसके लिए न्यूमेरिकल अपर्चर रखा गया 1.33। सी, अब बी और डी में से कौन हो सकता है, बी और डी, देखो ये मिनिमम होना चाहिए लेकिन ये मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो मिनिमम दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, यहां और यहां, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, ये यहां, ठीक है। इसको और मैं वो कर सकता हूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ, चलो मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी यहां पे जोड़ता हूं, ये है 1.0, यहां पे जो है ये 1.3 है, ये जो है 1.0 है और यहां पे भी 1.0, अगेन यही केस बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है मैं केस करने की कोशिश कर रहा हूं, सिंपलीफाई कर, मतलब ये जब हो रहे थे तो मैं दो ऑप्शन मैच करा दिया हूं जस्ट टू लाइक बी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में, ये तीनों मैच कर रहे थे लेकिन इसमें एन ए ज्यादा था, लेकिन इसमें से इन दोनों में ये केस था। अब इसमें साइन अल्फा की बात आ रही है, अब साइन अल्फा की जगह मैं थीटा रख सकता हूं, थीटा रखना, साइन अल्फा नहीं रखना, याद रखना, अब कौन ऑप्शन होने वाला है, बी। बात समझ में आ रही है ना, हम हर एक पैरामीटर को वेरीफाई करेंगे, हमें मिनिमम लैम्डा जो है वो तीन ऑप्शन में मिल रहे थे, इसमें, 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 इन दो में से हमें मैक्सिमम एन ए जो मिल रहा था वो दो में मिल रहा था, उसमें से स्मॉल एन भी दो में मिल रहा था और जो थीटा की वैल्यू 180 से इसमें मिल रही थी। सो दिस इज द ऑप्शन जो हमें चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। इवन कभी कभी फिक्स वैल्यू के साथ क्वेश्चन आते हैं कि हाँ ये रही फिक्स वैल्यू, इसके हिसाब से क्या होगा आपके पास। अब इसमें क्या होता है कि वॉट इज थीटा एंड वॉट इज अल्फा, अल्फा और थीटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना। तो एक्चुअली में थीटा इज, थीटा जो होता है अभी एक्चुअली डायमीटर ऑफ लेंस पे डिपेंड करता होता है। इस डायग्राम को देखिए, ये आपके न्यूमेरिकल अपर्चर को रिप्रेजेंट करेगा, ये है न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर जो है एक तरीके से डायमीटर ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ लेंसेस। जो डायमीटर होता है जितना चौड़ा डायमीटर होगा उतना ही अच्छा जो है न्यूमेरिकल अपर्चर। मैंने सोचा था ये सैमसंग वालों को आइडिया दे दो कि भाई अपने लेंस का डायमीटर बढ़ा, पिक्सल नहीं, और बता कि आप रिजोल्यूशन पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो लोग तुम्हारी फोटो की क्वालिटी भी बढ़ेगी और लोग लेंगे भी। इतना बड़ा फोन है तो थोड़ा डायमीटर बढ़ा दो, चार लेंस करने के बजाय एक लेंस रखो, अच्छे डायमीटर रखो, ये लोग अलग अलग चार लेंस रख देता है। अभी बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है, लोग बताने वाला कोई नहीं होगा, सोच नहीं रहा उस तरीके से, बट नॉलेज होता है, बट कभी कभी क्लिक नहीं करता, ठीक है। कभी क्लिक करेगा तो कोई इस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ जाएगा और फिर आप वो फोन हवा की तरह चलेगा। अब बात करते हैं, देखिए जरा सा इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में, एक लेंस ये है और ये है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखिए ये है अल्फा, जो पूरा का पूरा लाइट पास होता है एक्चुअली में, एक एंगल अल्फा है जो अपर्चर एंगल है, तो इसके इधर वाला एंगल भी तो अल्फा होगा ना, ये वाला भी तो अल्फा ही होगा, और जब दोनों मिलेंगे तो एक्चुअली में दो अल्फा की तरह होगा, और दो अल्फा एक तरीके से, या इसको अगर हम थीटा के तरीके से रिप्रेजेंट करें तो उसी हिसाब से जो वैल्यू रखी जाती है, क्योंकि एक जो है 90+90 वो आपका क्या हो जाएगा 180। तो एक्चुअली में थीटा इज टू अल्फा, यही तो बोला मैंने, अल्फा इज थीटा बाय टू। अब जरा समझने की कोशिश करो ब्रो, क्या कि ये अगर 90 डिग्री हो, यस, मतलब इस चीज का प्रैक्टिकल कंडीशन देखने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, मेरे पास एक लेंस ऐसा है, है ना, इस लेंस में जो है एक बेसिक एक्सिस ऐसे है, इस लेंस के हिसाब से जो डायरेक्शन है, मान लेते हैं यहां से पॉइंट ये निकला और ऐसे निकला, तो आपने देखा कि चलो भैया टू अल्फा, एक अल्फा इधर और एक अल्फा इधर, इस एंगल को अगर हम देखें तो लगभग लगभग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू में भी 30 डिग्री हो, है ना, इस बेसिस को देख के देखा जाए तो इसे 30 डिग्री ऐसे, जितना इसको इधर करोगे उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा, है ना। हो सकता है कि आप जो है अभी ये देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एक का डायमीटर और बढ़ा देता हूँ, सी लाइक दिस वन, एक जो है डायमीटर बढ़ गया। अब इस केस में भी वही कहानी बनेगी, इस तरीके से जो है एक एक्सिस है, उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, सेम पॉइंट पे, अब सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इमेज कवर कर रहा है, इससे कर रहा है। अब आप इस सेंटर से इमेज देख रहे होगे तो मे भी यहाँ पे अल्फा जो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा और ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री होगी, है ना, एक अप्रॉक्सीमेशन देख के ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करिए ग्रुप, कि अगर इस तरीके का एक्सिस है और इस एक्सिस से आपको 90 डिग्री चाहिए अल्फा की वैल्यू, यानी 90 डिग्री ऐसे और 90 डिग्री ऐसे, है ना, यही तो मतलब है, तभी तो इस एक्सिस से 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मतलब समझ रहे, ये दोनों लाइन अपोजिट होता है, ये कहां जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब 90 डिग्री होने का मतलब जो लेंस का डायमीटर होगा वो इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा, डायमीटर ऑफ लेंस शुड बी ऑफ इनफाइनाइट साइज, जब वो इनफाइनाइट साइज का होगा तभी जाके आपका 90 डिग्री मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से जो है कंडीशन आपके साथ अपीयर होता है। तो एन ए वाला जो केस है वो डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेनेवर लाइट सोर्सेस जब सैंपल से टकरा के लाइट ऐसे निकलती है तो जितना ज्यादा लाइट लेंस के अंदर से जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही क्लियर उतना ही रिजोल्यूशन वाला सिग्नल मिलेगा, क्योंकि सारी लाइट कैप्चर कर लेगा वो। नैरो लेंस का डायमीटर होगा तो जब एम ए से लाइट निकलेगा तो कम निकलेगा, क्योंकि सी ईयर देखिए इसका एन ए 0.75 है तो ये हाई न्यूमेरिकल अपर्चर है, मोर डायमीटर कैप्चर्स मोर लाइट मोर रिजोल्यूशन, ज्यादा डायमीटर ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा ज्यादा रिजोल्यूशन, लेकिन इसका डायमीटर देखिए छोटा है, लेस डायमीटर लेस कैप्चर्स लाइट एंड लेस रिजोल्यूशन, पॉइंट समझ में आ गया,
कि कैसे जो है रिजोल्यूशंस का जो है न्यूमेरिकल अपर्चर पे, ओके न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ साथ आपने कहानी सुनी होगी ऑयल इमर्शन के साथ, ऑयल इमर्शन भी रिजोल्यूशन बढ़ाता है ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों ऑयल जो है वो यूज किया जाता है रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, रीजन बीइंग दैट जरा समझिए, हमने ऑप्टिक्स में ये चीज पढ़ी हुई थी कि जब लाइट हाईली डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, है ना, वो क्या करती है वो डेविएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जब देखिए ये स्लाइड, ये लाइट सोर्स से सैंपल से जब लाइट टकरा के निकलती है तो ग्लास कवर स्लिप और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके बीच में थोड़ा सा एयर का लेयर होता है, क्योंकि एकदम सटा नहीं देते सैंपल से, और बिकॉज ऑफ एयर लेयर वो लाइट जो सैंपल से निकलती है वो डेविएट हो जाती है, क्योंकि वो डेंस से लाइटर मीडियम में होती है, तो इस तरीके से डेविएट हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे लाइट रेज होते हैं जो कि लेंस डायमीटर से बाहर निकल जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 5 रेज में से 3 ही अंदर पास कर रहे हैं और 2 बाहर निकल गए बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस, बट हम इस चीज को अवॉइड करते तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम पूरे के पूरे रेज को लेंस के अंदर ला सकते हैं, पहला तरीका या तो लेंस का डायमीटर बढ़ा दीजिए, दूसरा तरीका है कि आप ये जो एयर है इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे ऑयल से, तो ऑयल जब यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 1.5, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 1.5, तो मीडियम में कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फर्क पड़ा नहीं, तो ये पर्टिकुलर रेज सीधे पास करेंगे और कहीं पे डेविएट नहीं करेंगे, ड्यू टू दिस जितने भी रेज सैंपल्स निकलेंगे वो सारे रेज ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएंगे, 5 के 5 रेज जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पे मोर रिजोल्यूशन होगा, तो विदाउट इमर्शन ऑयल देयर इज अ लेस रिजोल्यूशन बिकॉज देयर इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, बट विद इमर्शन ऑयल देयर इज अ हाई रिजोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, एक्चुअल डायग्राम कुछ इस तरीके से देखिए, ये ऑयल है और इस तरीके से आप क्योंकि एयर आपने छोड़ा ही नहीं जिसकी वजह से प्रॉपर लाइट पहुंच रहा है और इसे इमेज जो है वो काफी अच्छी मिलती है, दिस इज द केस, अभी तक के लिए यही तक, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद अगर अगले क्लासेस के लिए, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।